Hello friends, welcome to our channel Study Addicted Academy. This is a lecture series of Current Affairs Multiple Choice Question Test Series for UPSC preliminary examinations as well as SSC, Banking or other state PSC examinations. और इसमें हमने द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, द इंडियन एक्सप्रेस और अदर लीडिंग न्यूज पेपर से जो है करंट अफेयर्स जो है इसमें कवर किए हुए हैं और ये जो है आपको जो बहुत ज्यादा हेल्प जो है करंट अफेयर्स पोर्शन में जो एग्जामिनेशन में करने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट शुरू करते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो स्टडी एडिक्टेड अकेडमी करके जो हमारा चैनल जो है यूट्यूब पर रहता है और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो है हमारी हर एक नई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको जो है सबसे पहले मिल सके. इस वीडियो में हम जो है 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की जो है कोशिश करेंगे और ये वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर सीरीज ये आपके लिए रहेगी. फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं. इसमें बोला गया है कि अरेंज करना है हमने फॉलोइंग को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट. इसमें फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने अरेंज करना है. और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट ने इनका मर्जर जो है कर दिया है विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ. तो सबसे पहले आप इनके बारे में देख लीजिए. ये जो फिल्म डिवीजन है ये जो 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, उसका डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो हमारा 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया जो है हमारा 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी जो हमारी 1955 में जो एस्टेब्लिश हुई थी. अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें हम तो 1, 4, 3 और 2 जो है हमारा बनेगा और इस तरह से इसका जो एक डी आंसर जो है इसका जो है हो जाएगा. इट इज अ वेरी हाई लेवल टफ क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आप यूपीएससी में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट न्यूज एजेंसीज ने जो है इसको कवर किया हुआ है. ये आप देख सकते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स मर्जर ऑफ 4 फिल्म एंड मीडिया यूनिट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जो है ये जो है प्रेस रिलीज किया गया. देखिए इसमें बोला गया कि जो फिल्म डिवीजन है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया है और एक जो ऑटोनोमस बॉडी है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, इनका मर्जर जो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जो है किया गया. अगर आप न्यूज़पेपर से ढंग से पढ़ें तो देखिए यहाँ पर आपको द हिंदू में जानकारी दी गई कि फिल्म डिवीजन जो है हमारा एस्टेब्लिश हुआ है 1948 में और ये जो ओल्डेस्ट ऑफ द 4 यूनिट्स है और ये जो क्रेडिट हुआ है प्राइमरी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्रीज, न्यू मैगजीन्स एंड पब्लिसिटी फॉर गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स एंड कीप सिनेमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. और इसके बाद आप नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया देखें तो ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्विटिंग एंड प्रिजर्विंग इंडियन सिमेटिक हेरिटेज और डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल हमारा 1973 में जो एस्टेब्लिश हुआ टू प्रमोट इंडियन फिल्म्स एंड कल्चर एक्सचेंज. और ये जो हमारे जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है ये 1955 में जो एस्टेब्लिश हुई है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हाई वैल्यू एंटरटेनमेंट थ्रू मीडियम फिल्म्स. तो इनको जो आप रिमेंबर इस तरह से जो जरूर कर लें. ये विकिपीडिया में आप देख सकते हैं, ये जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये जो बेस्ड है मुंबई में, यानी कि मुंबई में आपको जो इसके जो हेडक्वार्टर मिलेंगे और ये जो इनकरेज करता है हाई क्वालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा, ये फंक्शन करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये वर्क करेंगे. प्राइमरी गोल जो रहता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इज टू प्लान, प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड फोस्टर एक्सलेंस इन सिनेमा. इसका ध्यान रखना, अभी 1975 में फाउंड हुआ है, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है और अनुपमा चोपड़ा जी जो है इसके जो है की पर्सन जो है इनके रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया व्हाट इज जलीकट्टू. तो देखिए आप स्क्रीन पास करके जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया कीजिए और उसके बाद मैं आपको आंसर बताया करूंगा. देखिए जलीकट्टू जो है एक जो है बुल टेमिंग स्पोर्ट्स जो है ये होता है. इसमें जो है बुल को जो है कंट्रोल किया जाता है, उसको टेम किया जाता है. तो जलीकट्टू के बारे में आप समझ लीजिए एक बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है और ये तमिलनाडु के एरिया में जो है आपको जो है जलीकट्टू प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिल सकता है. और ये आप द हिंदू की भी आउटलेट इसमें देख सकते हैं, कटलाइट देख सकते हैं, रिसेंट ये न्यूज में था जलीकट्टू. और ये जो एक ओल्ड एज एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड होता है ये ड्यूरिंग द पोंगल फेस्टिवल और ये सेलिब्रेट होता है हमारी स्टेट ऑफ तमिलनाडु. और ये जो ओल्डेस्ट लिविंग एंशियंट ट्रेडिशन प्रैक्टिस होता है मॉडर्न ईरा में. और एक बुल जो होता है बॉस इंडिसियस सच एस ब्रीड्स, इसमें पुलिकुलम और कंगायम जो ब्रीड्स रहती हैं इनको जो रिलीज किया जाता है क्राउड ऑफ पीपल में और मल्टीपल ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स अटेम्प्ट करते हैं टू ग्रैब द लार्ज हम्प. जो लार्ज हम्प जो होता है ये हम होता है बुल का, इस हम्प को ऑन दी बुल्स बैक्स विद बोथ आर्म्स एंड हैंग्स
व्हाइल बुल अटेम्प्ट टू एस्केप, तो इसको इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश जो इसमें जो की जाती है। तो जलीकट्टू काफी ज्यादा न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो बैन भी लगाया था, लेकिन बाद में ऑर्डिनेंस लाके जो है हमारी गवर्नमेंट इसको जो है दोबारा से जो चला दिया है। इससे रिलेटेड जो पीटा जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स, ये हमारे एनजीओ रहते हैं, इनके द्वारा जो है इसके रिलेटेड जो केस किया गया था। ये कि यूएसए बेस्ड ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स राइट्स के लिए जो वर्क करती है। जलीकट्टू की ही तरह एक हमारा और जो है एनिमल से रिलेटेड स्पोर्ट्स जो है हमारे न्यूज में रहता है, इट इज कंबला। कंबला जो है बुफेलो रेस रहती है और ये जो कर्नाटका में जो है होती है, इसका भी आप ध्यान रखें। देखिए बोहिया बीओएचआई बोहिया सी जो है सॉरी बोहाई सी जो है रिसेंटली जो है एक न्यूज में था, ये जो है लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ विच कंट्री, तो ये जो बोहाई सी है ये जो आपको चाइना के कोस्ट पे जो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए था हिंदू का कटलेट है कि हमारे जो सेलर्स हैं ये स्टिल स्टैंडर्ड ऑफ द चाइनीज पोर्ट्स। हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया ने देखिए डिमांड की हुई थी कि जो चाइना से जो वुहान वायरस जो निकला हुआ है इसकी एक जो इंडिपेंडेंट जो है सर्च होनी चाहिए, अभी ये लेबोरेटरी मेड है या नेचुरली ये जो है निकला हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग दी थी। और ऑस्ट्रेलिया से जो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो काफी ज्यादा जो हमारा जो निर्यात करता है कोल का, तो जो कोल शिप्स जो है आपके चाइना के कोस्ट पे आई हुई है इनको ये जो है अनलोड नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे इंडियन सेलर्स भी जो है फंसे हुए हैं और ये इस बात का बहाना ले रहे हैं कि कोविड 19 से रिलेटेड जो इनको जो क्वारंटीन किया जा रहा है। तो ये बल्क कैरियर एम बी जहाँ गाना रहता है और ये जो है जिंग टैंग पोर्ट और बोहाईसी के पास रहता है, तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि जिंग टैंग पोर्ट भी जो आपके जो है चाइना में लोकेटेड है। ये आप मैप देख सकते हैं बोहाईसी का, ये रहा हमारा चाइना, तो ये रहा बोहाईसी। बोहाई बे भी आपको यहाँ पर मिलेगी, लियांगडोंग बे भी मिलेगी, यहाँ पर आपको कोरियन बे मिलेगी, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में 38th पैरेलल, इस लाइन को हम 38th पैरेलल बोलते हैं। येलो सी आप देखते हैं, येलो सी को साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया और इस तरह चाइना जो है टच करेंगे। जिंगटैंग सी और बोहाई सी को आप एक बार मैप में देख लीजिए या वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया। और इंडिया से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे रही हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना, और आप यहाँ साउथ कोरिया के पास इस तरह से जूम करेंगे तो ये आपको येलो सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर साउथ कोरिया देखने को मिलेगा आपको, इस कैपिटल सियोल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग। और अगर आप इस एरिया के ऊपर चाइना के जो है जूम करते हैं तो आपको यहाँ पर जिंगटैंग हार्बर और जिंगटैंग पोर्ट देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा और जूम अगर आप इस एरिया के ऊपर करेंगे तो ये देखिए आपको बोहाई सी भी जो देखने को मिलेगा और बोहाई बे भी आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगी, तो मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस। एक और आउटलेट जो है आप कटलेट जो है द हिंदू की देख सकते हैं, इसमें देखो ये बोला गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, ये बोला हुआ है कि जो हमारे 39 इंडियन सेलर जो है स्टैंडर्ड है फंसे हुए हैं हमारे यहाँ टू चाइनीज पोर्ट्स में, और यहाँ पर कंसिडर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये बोल रही है। और यहाँ पर जो है दो शिप्स ये फंसी हुई हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं, एम बी जागानंद और एम बी अनस्तासिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है जो बांबरी जो रीजन है ये रिसेंटली जो है काफी ज्यादा न्यूज में था, ये किस अफ्रीकन कंट्री में जो लोकेटेड है, तो ये जो बांबरी जो ये जो रीजन है ये जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जो एरिया जो ये लोकेटेड है। तो देखिए आप इस तरह से न्यूज देख सकते हैं द हिंदू की, इसमें बोला गया कि सिचुएशन जो है सीज होता है जिसको जब्त कर लिया गया था या जिसको कब्जा लिया गया था, सेंट्रल अफ्रीकन टाउन अंडर कंट्रोल, ये जो सिचुएशन हो गई है ये यूएन के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया देखिए सिचुएशन इन बांबरी इज अंडर कंट्रोल, और ये जो देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का ये जो फोर्थ लार्जेस्ट जो है टाउन रहता है बांबरी, और यूएन का आप ध्यान रखना यूएन जो है एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो है 193 प्रेजेंटली जो है मेंबर स्टेट है, इसके साथ साथ जो है कुक आइलैंड्स और होली सी भी जो है इसके जो मेंबर रहते हैं, सॉरी इनके पास कुक आइलैंड्स और होली सी के पास जो आपका ऑब्जर्वर स्टेटस जो है यूएन में आपको देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर्स आपको जो है यूएन के जो है न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूनियन जो है इस्टेब्लिश हुआ है, और लीग ऑफ नेशंस के बाद ये जो है बना हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमारा लीग ऑफ नेशन बना और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है यूएन बन गया। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल और यूएन सेक्रेटरीट, और प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से ये बिलोंग करते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो मैप में लोकेट कर लेते हैं, तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, तो यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज 54 आपको अफ्रीका में कंट्रीज देखने को मिलेगी, सब ज्यादा कंट्रीज जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और अगर आप यहाँ पर जो सेंटर में देखो, दिस इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ये जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका कोई भी एसएस जो है इसको जो है सी के साथ नहीं है, और इसकी कैपिटल है ये बेंगुई। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जो
जूम करें तो दिस इज अ बांबरी जो कि रिसेंटली न्यूज में था, और ये जो बॉर्डर शेयर करके अपना साउथ सुडान के साथ, साउथ सुडान की कैपिटल जुम्बा, यहाँ पर ऊपर सुडान, सुडान की कैपिटल खार्टोरम, चैड के साथ करेगा, चैड की कैपिटल आप देखते हैं एंड डिजमानिया, एंड कैमरोन, कैमरोन की कैपिटल रहती है योंडे, और यहाँ नीचे ये बॉर्डर शेयर करके रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, और रिपब्लिक ऑफ कोंगो की कैपिटल जो है ब्राजीविली, जो इसकी कैपिटल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फिशरी सेक्टर इन इंडिया। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोली गई कि इंडिया इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूसिंग जो हमारी कंट्री रहती है इज चाइना, इस फैक्ट को आप रिमेंबर कर लें, चाइना इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट जहां पर होगी उसको हम पहले ही काट देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिशरी सेक्टर्स ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट मोर देन 5% टू द कंट्रीज ग्रोस वैल्यू एडेड। तो देखिए जीवीए जो है जीडीपी से ही कैलकुलेट की जाती है, जब हम जीडीपी में सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं और टैक्सेस को जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो है जीवी आ जाती है, और जीडीपी जो है मॉनेटरी वैल्यू रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस होते हैं एक फिजिकल एरिया में किसी कंट्री में उसकी टेरिटरी के अंदर, एक साल के अंदर वो जो है जीडीपी हमारी होती है। तो इसमें ये बोला गया कि मोर देन 5% जो है कंट्री जीबीए में कंट्रीब्यूट करता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, ये अराउंड 1 to 2% आप बोल सकते हैं ये कंट्री की जीबीए में कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो जाएगी, तो पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए हम सभी को पता ही है कि फिश जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड रहता है और प्रोटीन वगैरह से मिलती है और इनकम और लिविंग मिलियंस ऑफ पीपल इनको प्रोवाइड करता है, और एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम फिशरी सेक्टर जो है देखिए हमारे 46,662.85 करोड़ के एक्सपोर्ट जो 1920 में हमारे इंडिया में देखे गए, और ये जो सेक्टर है जो 280 लाख पीपल को जो है इंप्लॉयमेंट जो हमारी कंट्री में जो प्रोवाइड करवाता है, और एवरेज ग्रोथ रेट फिक्स्ड सेक्टर में हम हर साल लगभग 7% के आसपास हमारी कंट्री में देख रहे हैं। और फर्स्ट टाइम ने देखिए गलत हो जाएगी क्योंकि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर 7.56% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं, और फिशरी सेक्टर जो 1.2% टू दी कंट्री जीवीए जो कंट्रीब्यूट करता है एंड 7.28% टू दी एग्रीकल्चर जीवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहता है, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन से जो करेक्टली मैच्ड किए गए हैं। इसमें पहला बोला है यून ड्यूंग गोए, इसमें बोला कि ये जो लैंटर्न लाइटिंग फेस्टिवल रहता है इन द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हम साउथ कोरिया को जो बोलते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही हो जाएगी, ये जो यून ड्यूंग गोए जो रहता है ये जो है एक लैंटर्न लाइटिंग फेस्टिवल जो है हमारे रिपब्लिक कोरिया का रहता है, और तोगूज कोरगुल इस नाम को भी आपने याद रखना, तोगूज कोरगुल जो है एक स्ट्रेटेजिक एंड इंटेलिजेंस गेम रहती है सेंट्रल एशिया में, ये हमें कजाकिस्तान किर्गिस्तान जैसे कंट्रीज में देखने को मिलेगी, तो बोथ आर करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं यून ड्यूंग गोए जो है कोरियन ट्रेडिशनल कल्चर फेस्टिवल है, इसमें पार्टिसिपेंट्स जो है लाइट अप करते हैं लैंटर्न्स टू सेलिब्रेट बुद्धाज बर्थडे, और ये जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ यूनिट में आ गया था कि इंटेंजिबल ऐसी चीजें होती है जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कल्चर है तो उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, या कोई मान लीजिए सॉन्ग है उसको भी हम जो है महसूस कर सकते हैं सुन सकते हैं, उसको छू हम नहीं सकते हैं, तो ये इस तरह से इन चीजों को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड होना यूनेस्को की ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो तोगूज कोरगुल जो रहता है जिसको तोग्यूज जमिक्यू या मंगलाला गोक्रमुनी भी इसको बोला जाता है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में प्ले करने वाला एक ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी गेम ये जो है होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युआन दिंगोई जो है लैंटर्न लाइटिंग फेस्टिवल रहता है रिपब्लिक कोरिया में, देखिए इस तरह से ये जो है लाइटिंग जो है कर रहे हैं, और ये जो है बुद्धा के बर्थडे को मार्क करने के लिए जो लाइटिंग ये जो की जाती है, ये आप देख सकते हैं बुद्धा बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है इस तरह से रिपब्लिक कोरिया में। और तोगुज कोरगुल का भी आप याद रखना, ये इंटेंजिबल कल्चर एडिवेज में एंटर हो गया, और ये सेंट्रल एशिया में जो है प्ले किया जाने वाली एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गेम है, और इस तरह से इसका एक ये जो बोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन व्यू आई 2021201। देखिए ये जो है एक न्यू वेरिएंट जो रहता है SARS-CoV-2 वायरस का जो कि यूके में जो है फाउंड आउट हुआ है, ये इसका नाम दिया गया VUI-2021201, या PIV की न्यूज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो इशूड किए हुए हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू वेरियंट ऑफ SARS-CoV-2 वायरस डिटेक्टेड इन यूके, और इस वायरस ये जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है इसकी स्ट्रेन का नाम है VUI-2021201। तो PIV भी इसको कवर करिए, और WHO का ध्यान रखना, सैम्पल 1948 में जो एस्टेब्लिश हुआ है, यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, हेडक्वार्टर आपको जो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। यूनेस्को का भी ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है 1945 में जो आपकी जो है एस्टेब्लिश हुई है, और इसके हेडक्वार्टर आपको जो है पेरिस विच इज द कैपिटल ऑफ लंडन वहां पर देखने को मिलेंगे, 6 नवंबर 1945 में एस्टेब्लिश हुई है, और इसका एम रहता है टू प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके जो है 193 मेंबर स्टेट्स हैं, और 11 इसमें जो आपको एसोसिएट मेंबर जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए, नेशनल
फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो पूछा गया है, इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड दी गई है और हमने करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट रहती है कि ये जो स्टैचुअरी बॉडी रहती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अंडर वर्क तो करती है, लेकिन ये जो एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% इसमें जो स्टेक रहता है, वो 1975 में जो ये जो एस्टेब्लिश हुई है, इसको कोई भी स्टैचुअरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भारी गलत हो जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मर्ज द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड नेशनल फिल्म आर्काइव इंडिया विद एनएफडीसी, तो बिल्कुल सही बात है, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें जो है दो स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एयरो इंडिया एग्जीबिशन, जो एयरो इंडिया का जो प्रदर्शन होता है ऑफ एरोस्पेस का एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज का, ये जो ऑर्गेनाइज होता है एवरी अल्टरनेट ईयर, बिल्कुल सही बात है, ये बाईएनुअल जो ये ऑर्गेनाइज होता है बेंगलुरु में जो है, हर दो साल में एक बार जो है टेक प्लेस होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो ठीक हो जाएगी। और तेजस एलसीए जो एक सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपर सोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल सही बात है, तेजस जो है इंडिजिनियसली बिल्ड जो हमारा सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपर सोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एयरो इंडिया एग्जीबिशन जो ऑर्गेनाइज होती है एवरी अल्टरनेट ईयर बाईएनुअल, और ये हेल्ड होती है बेंगलुरु एट दी याले अंका एयरफोर्स स्टेशन, और ये वन ऑफ द मेजर एग्जीबिशन फॉर एयरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज विद अ पब्लिक एयर शो, और ये इनेबल्स करती है इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल को टू गेन मार्केट इनसाइट, अनाउंस न्यू डेवलपमेंट्स एंड गेन मीडिया कवरेज, और एयरो इंडिया ऑफर्स करते हैं यूनिक प्लेटफॉर्म टू इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर टू बोल्स्टर इट्स बिजनेस। एयरो इंडिया 2021 जो है 13th एडिशन जो एयरो इंडिया की होगी बींग ऑर्गेनाइज एट दी बेंगलुरु कर्नाटका फ्रॉम 3-7 फरवरी 2021, ये स्टार्टेड हुई थी 1996 से, और तेजस जो लाइट कॉम्पैक्ट जो एयरक्राफ्ट जो रहता है विद दिस वेरिएंट, ये जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट जो मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट जो इस क्लास का रहता है, ये जो सिंगल इंजन रहता है, कमांड डाटा विंग आपको इसमें देखने को मिलेगी, टेलनेस एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मेंटेन टू मिल दी ड्राइवरलेस सॉरी डाइवर्स नीड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, लोगो जो रहता है एयर इंडिया का, ये भी जो इंस्पायर्ड आपके तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा, और एचएल के द्वारा जो इसको जो इंडिजिनियसली जो मैन्युफैक्चर जो किया गया तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और ये फोर्थ जनरेशन जो एयरक्राफ्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियन रिसर्च स्टेशंस एट अंटार्कटिका, तो देखिए अंटार्कटिका में हमारे दो स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के, फर्स्ट वन इज भारती और सेकंड वन इज मैत्री, तो इसका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, और तीसरा ये जो यहाँ पर बताया गया है हिमाद्री, हिमाद्री जो हमारे जून 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये जो हमारे आर्कटिक में जो है इंडिया का जो है सर्च स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, तो हिमाद्री का ध्यान रखना ये आर्कटिक में आपको देखने को मिलेगा, जबकि मैत्री और भारती जो है हमारे अंटार्कटिका में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो है प्रेजेंटली जो है वर्तमान समय में जो है टू रिसर्च स्टेशन रहते हैं अंटार्कटिका में, फर्स्ट वन इज मैत्री, सेकंड वन इज भारती, भारती एस्टेब्लिश हुआ 2013 में और मैत्री स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ 1989 में। इंडिया का जो भी अंटार्कटिक प्रोग्राम रहता है मैत्री और भारती स्टेशन को, इसको जो कंट्रोल किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ये जो ऑटोनोमस जो है एक जो है बॉडी हमारी रहती है, और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी 25 मई 1998 को, और इसके हेडक्वार्टर जो है आपको जो है वास्को डी गामा जो सिटी रहती है हमारे गोवा में, वहां पर इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड जो है देख सकते हैं, इसमें करेक्ट आंसर मैंने बताना स्टेटमेंट दी गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, देखिए पीएम किसान स्कीम का आपने ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सारी की सारी फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इसमें आ रही है, 75,000 करोड़ का इसमें हर साल जो है बजट का प्रावधान जो इसमें रखा गया है, 12 करोड़ फार्मर्स को ये जो है बेनिफिट जो प्रोवाइड की गई करेगी, और इसमें अपर लिमिट जो लैंड की थी उसको जो अब हटा दिया गया है, इसका आपने ध्यान में रखना, ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब होता है कि कुछ फंडिंग सेंटर करेगी और कुछ फंडिंग स्टेट करेगी, लेकिन ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाएगी, तो जहां जहां वन है उसको आप काट दीजिए, तो बाय इलिमिनेशन आपका जो है सी सेकंड थर्ड सही हो जाएगा। देखिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज की फार्मर्स फैमिलीज की, वो जो है स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स के ऊपर रहती है, और पर्सन जो पेड करते हैं इनकम टैक्स जिन्होंने लास्ट असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स पेड किया हुआ है वो जो एलिजिबल नहीं है स्कीम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई है, देखिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो एक पब्लिक सर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल सही बात है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है, ये लोकेट है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल गलत बात है, ये जो आपको शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ही आपको देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, तो जहां जहां वन है उस स्टेटमेंट को आप काट दीजिए। इट वॉज फाउंडेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही बात है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा फाइंड की गई थी, हु कॉल्ड इट द विश्व भारती विच मीन्स द कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, तो बिल्कुल सही बात है, इस बात का ध्यान रखना, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, तो राइट आंसर इज बी, सेकंड ओनली इज करेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं विकिपीडिया मैंने लिया हुआ है, ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ये रहता है, लोकेटेड रहेगी शांतिनिकेतन वेस्ट बंगाल में,
ये फाउंडेड की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और इनके द्वारा इसको विश्व भारती बोला गया था, विच मीन्स दी कॉमन यूनियन ऑफ दी वर्ल्ड विद इंडिया। और अंटिल इंडिपेंडेंस ये जो है एक कॉलेज था, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जो है इस इंस्टीट्यूशन को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड 1951 में जो दे दिया गया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये एस्टैब्लिश्ड हुई है 23 दिसंबर 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि जो वोडाफोन ग्रुप पीएलसी जो कि एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेंगे। आप एक बात ध्यान रखना, वोडाफोन जो है एक ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर जो आपको जो लंदन में जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, वोडाफोन इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इंडिया ने फाइल्स कर दिया एक अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। देखिए, इंडिया जो है अपील क्यों कर रहा है वोडाफोन केस वर्डिक्ट की, हुआ ये कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है सिंगापुर की, इसने जो है ओवरटर्न कर दिया है इस हमारी जो डिमांड थी इंडिया की 22,100 करोड़ की टैक्स की डिमांड फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप से, इसको जो इन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया है सितंबर 25 को, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया टैक्स अथॉरिटी से। और पेनल्टीज रिलेटिंग टू ब्रिटिश टेलीकॉम गाइड 2017 से रिलेटेड, इंडिया के पास जो है 90 डेज है अपील फाइल करने की, और सेम जो है डन होगा आपके सिंगापुर कोर्ट में जो अर्लियर दिस वीक ये जो है सेम किया जा चुका है। तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो सेंटर जो रहता है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइज नहीं, बेस्ड है सिंगापुर में, और ये जो एडमिनिस्ट्रेट करता है आर्बिट्रेशन अंडर इट्स रूल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड यूनिसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स, ये एस्टेब्लिश हुई 1991 में, और इसकी जुडिक्शन जो हमारी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, थाईलैंड, यूके, यूएसए, वियतनाम और न्यूयॉर्क और अमंगस्ट दी न्यूयॉर्क कन्वेंशन सिग्नेचर उनके ऊपर रहेगी। देखिए, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता से, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट है उसको एक जो मध्यस्थ कोई मिडल जो बॉडी रहेगी, जैसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एक मिडल बॉडी का काम करेगी, और थ्रू आर्बिट्रेशन एक मिडल मैन के इससे जो है ये जो है इस केस को जो सॉल्व करेगी। दिस क्वेश्चन इज अ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि विच सिटी मेट्रो स्टार्टेड फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विसेज। तो ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विसेज से रिलेटेड जो है दिल्ली मेट्रो न्यूज में, दिल्ली मेट्रो जो है ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस जो है शुरू कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम टू फ्लैग ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सर्विसेज, तो ये दिल्ली मेट्रो से किया हुआ है। और एक बात आप ध्यान रखना, मेट्रो जो होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर जो वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि नगरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है किस स्टेट में लोकेटेड है। तो नगरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है ये हमारे आपको कर्नाटका में जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉचर किल्ड इन नगरहोल, एक वाइल्ड लाइफ वॉचर जो है यहाँ पर किल्ड हो गया है नगरहोल नेशनल पार्क में। तो ये मैसूरू की देखिए न्यूज है, मैसूरू भी कहा है आपके कर्नाटका में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जलीकट्टू के बारे में दोबारा डाला हुआ था कि आपको रिजन भी हो जाए, इसमें बोला गया इट इज रेफर टू एज अ बुल टेविंग इवेंट, फर्स्ट इवेंट सही हो जाएगी। तो जहां पर सही है फर्स्ट है, अब वो दो ऑप्शन हमारे पास बचाएंगे। दूसरा बोला गया दिस इज सेलिब्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशन केरला। नहीं जी, ये जो जलीकट्टू है ये जो है तमिलनाडु में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए फर्स्ट ओनली। और कंबला रेस का आपने ध्यान रखना, ये वो फेलो रेस रहती है कर्नाटका की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, इसमें जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग वियतनाम कंट्री के बारे में दी गई है। वियतनाम जो एक आसियान मेंबर भी रहता है और वियतनाम कैपिटल है हनोई, और ये जो है साउथ चाइना सी के साथ जो बॉर्डर टच करेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई इट शेयर बॉर्डर्स विद मलेशिया एंड थाईलैंड। देखिए थाईलैंड के मैटर में आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं अगर आपने वर्ल्ड मैप इतना डीपली नहीं देखा है, लेकिन मलेशिया का तो आपको पता होना चाहिए, मलेशिया जो है वियतनाम के साथ बिल्कुल भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, और थाईलैंड भी जो है कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसको हम अभी वर्ल्ड मैप में लोकेट करेंगे। और विनबैक्स जो है मिलिट्री एक्सरसाइज रहते हैं कंडक्टिविटी में इंडिया एंड वियतनाम, तो सेकंड इसमें ठीक हो जाएगा, तो बी सेकंड ऑन इज करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप, दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहां से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको मैप में देखिए यहां पर दिख रही है आपको वियतनाम, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और वियतनाम देखिए वॉर्डर शेयर करेगा चाइना के साथ लाओस, लाओस जो है एकमात्र जो लैंड ऑफ कंट्री रहेगी आसियान कंट्रीज में, और कैपिटल लाओस की विंटियाना, और यहां पर रहेगा कंबोडिया, कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम फेन, फ्नोम फेन जो इसकी जो कैपिटल रहेगी। और देखिए यहां पर जो रहेगा साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी को बॉर्डर करेंगे वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और इस तरह से चाइना, साउथ चाइना सी जो है एक डिस्प्यूटेड जो है एरिया रहता है, यहां पर चाइना जो है क्लेम करता है काफी ज्यादा टेरिटरीज को। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, देखिए कितने दूर जो है मलेशिया जो वियतनाम से रहता है, और थाईलैंड अगेन किसी प्रकार का बॉर्डर जो है शेयर नहीं करेगा वियतनाम के साथ, थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक। और 10 आसियान कंट्रीज को आप रिमेंबर कर लेना, आसियान जो है एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहती है हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, जिसमें म्यांमार, म्यांमार कैपिटल नेपिटा, उसका लाओस, लाओस कैपिटल विंटियाना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, सिंगापुर मेंबर ऑफ आसियान, उसका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिला ब्रुनेई,
और बुनई की कैपिटल है बंदर सीरी, और उसके बाद मिलेगा आपको फिलिपाइंस, फिलिपाइंस की अपना मनीला, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आपको मनीला में जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट। तो देखिए रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग को जो है काफी ज्यादा जो है बढ़ा दिया है। तो इसमें बोला गया कि इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड इंप्लीमेंट बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप ध्यान रखना ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो रहती है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इंप्लीमेंट इसको करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी गलत हो जाएगी इसमें, तो जहां जहां वो उसको हम काट देंगे। दिस स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन फॉरेन कंट्रीज। देखिए फॉरेन कंट्रीज रिलेटेड इसमें कोई भी मेंशन नहीं है, ये जो है जो इंडिया में स्टडी कर रहे हैं बच्चे 10th के बाद उनके लिए जो रहती है। तो दोनों दोनों स्टेटमेंट जो इसमें जो है गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। तो देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो 59,048 करोड़ की जाएगी, जिसमें से 35,534 करोड़ जो है सेंटर के द्वारा जो की जाएगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, और पूरा स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को इसमें जो है हेल्प करने की बात की जा रही है। और देखिए सोशल जस्टिस सेक्रेटरी, मैंने वही बात की आपसे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंडर ये स्कीम आती है। आर सुब्रमण्यम जी ने बोला कि चेंजेस जो अप्रूव कर दिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, और 1.6 करोड़ स्टूडेंट्स जो है हु अदरवाइज ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास 12 विल बी ब्रॉट इनटू द हायर एजुकेशन सिस्टम अंडर स्कीम इन 5 ईयर्स, और स्टेट को जो आस्क किया जाएगा टू कैरी आउट द वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स, और उनके कास्ट स्टेटस और आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो इनसे जो मांगी गई है, और 60:40 में जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में इसमें जो है नई फंडिंग पैटर्न जो है कर दी गई है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पूछा गया है कि शाहीन 9 जो है एक ज्वाइंट एयरफोर्स एक्साइज है, एयर एक्साइज है बिटवीन बी चौथी फॉलोइंग कंट्री। तो शाहीन 9 काफी ज्यादा न्यूज में थी, इसको ईगल 9 एक्साइज भी बोला जाता है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो एक्साइज रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है ये रहती है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। देखिए चाइना ने इंडिया को बोला हुआ है कि ये जो ड्रिल्स हैं इनको आप ऑब्जेक्टिवली जो देखें, जो पाकिस्तान के साथ ड्रिल है हमारी, इन्होंने बोला कि ये रेगुलर ड्रिल होती है। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं शाहीन 9 और ईगल 9 एक्साइज जो है 9 सच एक्साइज है हेल्ड बिटवीन द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्सेज 2011। तो 2011 से ये जो एक्साइज ये जो है हो रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किलाऊ जो कैनो है जो कि रिसेंटली जो है न्यूज में था फॉरेस्ट इरप्शन, ये जो लोकेटेड है विच कंट्री में। तो जो 50th जो सीनेट जो रहता है यूएसए का हवाई, वहां पर ये जो आपको लोकेट मिलेगा किलाऊ वोल्केनो। बहुत सारी न्यूज एजेंसी ने इसको जो है कवर किया हुआ है, किलाऊ वोल्केनो जो इरप्ट हुआ हवाई, सोशल मीडिया फ्लडेड विद पिक्चर्स यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हवाई का मैप पैसिफिक ओशन में जो हवाई जो है लोकेटेड रहता है, इसका मैप आप इस तरह से देखते हैं, होनोलुलु जो है इसके जो है कैप्टन रहती है, और यहाँ पर जो है आपको इंटरनेशनल सुनामी इन्फॉर्मेशन सेंटर का जो हेडक्वार्टर मिलेगा जो कि नवंबर 1965 में जो सेटअप की गई है। और ये जो इंटरनेशनल सुनामी इन्फॉर्मेशन सेंटर है इसको सेटअप किया गया बाद ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ द यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड पूछा गया। देखिए पेबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है मिनी काजीरंगा भी जो बोला जाता है, और ये जो आसाम में जो लोकेटेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र है लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेट नहीं है, ये आसाम में जो है लोकेटेड, इसको मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है, और ये जो पार्ट रहता है ऑफ द इंडिया राइनो मिशन 2020। तो दिस स्टेटमेंट करेक्ट, तो बी सेकंड ऑन इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप एक द हिंदू की जो है न्यूज देख सकते हैं, कटलेट देख सकते हैं, राइनोज जो है गैस्प कर रहे हैं फॉर स्पेस इन मिनी काजीरंगा। तो मिनी काजीरंगा जो है पेबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरी कंपीट कर रही है अगेंस्ट दी 100 राइन ऑफ आसाम पेबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेफर्ड एज मिनी काजीरंगा फॉर न्यूट्रियस फूड। और पेबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन द मोरियान डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। पेबिटोरा इज रनिंग अ सक्सेसफुल राइनो ब्रीडिंग प्रोग्राम विद दिस सेंचुरी, और ये जो रनिंग करती है इंडियन गवर्नमेंट इंडिया राइनो विजन 2020, और 1987 में जो पेबिटोरा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। और ये हार्बर है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द राइनोसोर इन द वर्ल्ड और सेकंड हाईएस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ राइनोसोर इन आसाम आफ्टर द काजीरंगा नेशनल पार्क। और ध्यान रखना काजीरंगा नेशनल पार्क भी हमारे आसाम में आपको देखने को मिलेगा, औरंग मानस काजीरंगा ये सारे सारे जो आपको आसाम में देखने को मिलेंगे। इस मैप को आप एक बार जो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये आसाम का ये जो एक मैप है इसके ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको जो है नागालैंड मणिपुर इस तरह देखने को मिलेगा, इस तरह आसाम का मैप है। आसाम में आप देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, औरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखौवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही आपकी पेबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिनी काजीरंगा, होलान गापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिब्र स्कोवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इसमें जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है। तो आपने ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो IUCN स्टेटस जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए काफी ज्यादा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने पहले बता दिया आपको इसका जो स्टेटस है ये IUCN में
ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी ठीक हो जाएगी, तो जहां पर वो नहीं है उसको हम काट सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी जो लोकेट नहीं कर्नाटका, बिल्कुल गलत बात है, ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ए वन ओनली इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। या आप द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, फायर फ्लाइज टू साइन अ लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर, फ्लैप जो प्लेस कर दिए गए हैं ओवरहेड पावर लाइंस हेल्प टू थ्री बर्ड्स स्पीसी इन वाइल्ड टू अवॉइड कोलिजन, तो इन बिजली के टावर के साथ ही वायर के साथ इनका कोलिजन ना हो जाए, इसके लिए इस तरह से जो है फ्लिप्स जो है बनाया गया ताकि ये फायर फ्लाइज की तरह लगे और ग्रेट इंडियन बस्टर जो इनसे जो है दूर रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर फ्लाइट डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए गए हैं 6.5 किलोमीटर स्क्रैच के बीच में चाकचाटू धोडिया विलेजेस ऑफ पोकरम तहसील ऑफ द राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और सिलेक्टेड जो स्ट्रेचेस हैं ये अपोजिट रहते हैं पोकरम फील्ड फायरिंग रेंज विच ऑफर्स अ सेफ हैबिटेट टू ब्रीडिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डेजर्ट नेशनल पार्क का धरना जैसलमेर राजस्थान में लोकेटेड है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आईयूसीएन स्टेटस ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में जो है लिस्टेड है, और सीएमएस कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज कन्वेंशन पेंडिंग फर्स्ट ऑफ द काइट्स में रजिस्टर्ड है, प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में इसके डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान, रोलापुडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, देखिए रोलापुडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां देखने को मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो है एस्टेब्लिश की थी 1975 में, और इसको जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एडोसर निग्रेस एट सोलापुर महाराष्ट्र। तो एरिडोटिस निग्रेसिप्स ये जो है इसका साइंटिफिक नेम रहता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि ये तसो कार ये जो बेटलैंड है जो कि इंडिया का 42nd रामसर साइट जो बन गई है, किस स्टेट यूटी में जो लोकेटेड है। देखिए आप ध्यान रखें, तसो कार ये जो वेटलैंड है ये जो हमारी जो है लद्दाख यूटी में आपको जो देखने को मिलेगा, और इंडिया में नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी होगी, अब 42 रामसर साइट्स हो गई हैं। देखिए रामसर साइट जो है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इनको बोलते हैं, ये रामसर कन्वेंशन के अंदर जो डिक्लेयर की जाती है जो कि 1971 में जो है ईरान की सिटी रामसर में ये जो साइन हुई थी, और रामसर कन्वेंशन ही एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है, ऐसी रामसर साइट्स जिनके ऊपर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज का जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उनको इसमें रखा जाता है और तब निकाला जाता है इनको जब ये जो अगेन जो है सेफ ट्रैक के ऊपर जो है चलने लग पड़ती है। इंडिया में लॉकटक लेक पहले इसके अंदर जो रखी गई थी लेकिन बाद में उसको जो निकाल दिया गया था, आई मेक अ पार्डन सॉरी चिलिका लेक जो उड़ीसा की थी उसको पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो रखा गया था लेकिन बाद में इसको जो है रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम दी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। इन प्रेजेंट इंडिया की टू इंडियन साइट्स जो है रामसर साइट जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रहेगी, एक लॉकटक लेक मणिपुर में और क्यूलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में। एडिशनल नॉलेज में देखिए आप वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में जान लीजिए, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल देखिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप है और एक नॉन गवर्नमेंटल, इन वर्ड्स के ऊपर आप ध्यान रखना, नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व रहेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स एनजीओ वगैरह इसमें रहेंगे, तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ ये जो है रहेगी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दैट ये देखिए वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, एक हमारा एक एनजीओ है दैट स्ट्राइव्स टू कंजर्व वर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स, और देखिए इसका हेडक्वार्टर आपको जो कैम्ब्रिज यूके में देखने को मिलेगा और 1922 में जो है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज जो है आपका जो प्रोग्राम रहता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का, और ये जो तसो कार जो बेसिन है ये A1 कैटेगरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया के अंडर जो है आती है, और की साइटिंग साइट जो आपको ये देखने को मिलेगी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की। देखिए बहुत सारी न्यूज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आप न्यूज देख सकते हैं, लद्दाख तसो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एडेड लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स, और देखिए 42nd रामसर साइट ये बन गई है, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट 42 हो गई है। चिलिका लेक जो है चिलिका लेक जो डेजिग्नेट हुई थी फर्स्ट इंडियन वेटलैंड, देखिए चिलिका लेक जो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है जो कि 1980 में जो है डेजिग्नेट हुई थी फर्स्ट रामसर साइट, और देखिए चिलिका लेक जो पहले मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में डाली गई थी बाद में इसको निकाल दिया गया। इन प्रेजेंट लॉकटक लेक ऑफ मणिपुर एंड किलिडाउ नेशनल पार्क राजस्थान ये दोनों अभी भी जो है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो हमारे शामिल है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की आप न्यूज देखते हैं, तो शोकार बेंडन कॉम्प्लेक्स जो लद्दाख का जो 42nd रामसर साइट जो इंडिया की बन गई है, रामसर कन्वेंशन के बारे में आप देखते हैं, रामसर कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एस्पेशियली एज वाटरफॉल हैबिटेट, और ये कन्वेंशन जो है रामसर ईरान में 1971 में जो साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 को, और इसी के बाद जो हम 2 फरवरी को जो हर साल जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट करते हैं, और 2020 थीम थी वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी, तो इस तरह से आपने लिंक करके जो इनको जो रखना होता है। इस तरह से आप जो है ये देख सकते हैं, देखिए पेंगोंग तसो जो एक टेक्टोनिक जो है लेक रहती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी द्वारा बनी हुई है, ये चाइना और इंडिया के बीच में ये लेक रहती है, फिर तसो की गागर, तसो मोसीरी, तसो कार, ये सारी सारी जो आपको जो है देखने को मिलेगी लद्दाख में। जब भी मैप देखो तो बड़े केयरफुली देखो, आपको जो देखिए नॉर्थ टू साउथ ये रेंज करने को आ सकती है, तो सबसे ज्यादा नॉर्थ में मिलेगी आपको पेंगोंग तसो, उसके बाद तसो कार, उसके बाद तसो कियागार और तसो मोसीरी, तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखना, पेंगोंग तसो सबसे ज्यादा नॉर्थ में है, उसके बाद तसो कार, उसके बाद तसो कियागार और तसो मोसीरी, नॉर्थ टू साउथ भी कई बार इनको जो है रेंज करने के लिए आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि
एंड्रोथ आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखिए ये जो है आपको लक्षद्वीप ब्यूटी में जो देखने को मिलेगा एंड्रोथ आइलैंड। और एंड्रोथ आइलैंड के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि लक्षद्वीप जो है फर्स्ट हमारी यूटी बन गई है जो कि फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है ट्रांसफॉर्म हो गई है। देखिए द इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो है इसमें जो है न्यूज आई थी कि साउथ नंबर कमांड जो रहती है इसने कंडक्ट किया सेलिंग एक्सिबिशन फ्रॉम कोची टू लक्षद्वीप एंड्रोथ आइलैंड। तो इससे ये जो न्यूज में आ गया था। वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर जो है वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको जो है अरबियन सी में जो आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कैपिटल रहती है कवरती, कवरबती जो है लक्षद्वीप कैपिटल रहेगी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड्रोथ आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा गया कि 501.B2 वेरिएंट जो रहता है SARS-CoV-2 का, ये जो आइडेंटिफाइड हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये जो वेरिएंट है ये जो साउथ अफ्रीका में जो है ये जो फाउंड हुआ है। तो देखिए वेरिएंट का नेम किया गया 501.B2, और साउथ अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर ज़वेरी मिज़ोकी ने अनाउंस किया है ट्विटर के ऊपर। आप इनका जो है ट्विटर देख सकते हैं कि हमने जो इस वेरियंट को 501.B2 वेरियंट को जो आइडेंटिफाई किया हुआ है बाई अवर जेनोमिक्स साइंटिस्ट। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया कि हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक जो है रिसेंटली न्यूज में था, ये जो है रिलेटेड है विच कंट्रीज के बीच में? तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है ये जो एक रेलवे लिंक रहता है, इसको जो है रिनोवेट और दोबारा शुरू करने की इसमें जो बात की जा रही है। आप यहाँ पर एनडीटीवी की न्यूज देख सकते हैं, हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक इंडिया बांग्लादेश रीओपन क्रॉस बॉर्डर रूट आफ्टर 55 ईयर्स। और एक बात आप देखना, मुजिब नगर टू वेस्ट बंगाल नाडिया में जो है शाहिद नोटा सोरोक रोड जो है बनाने की बात की जा रही है। तो ध्यान रखना साद हिनोटा जो सोरोक जो रोड है ये मुजिब नगर बांग्लादेश टू वेस्ट बंगाल नादिया तक ये जाएगा। ये डिफरेंट रेल लिंक्स आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारा हल्दीबारी चिलाहटी रेल लिंक। देखिए सात कोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है न्यूज में थी, इसमें पूछा गया कि स्टेट में सात कोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। तो ओडिशा में जो आपको सात कोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपको जो है ओडिशा में देखने को मिलेगा, चिल्का लेक जो कि हमारी फर्स्ट वेटलैंड साइट जो रहती है रामसर साइट रहती है ये भी आपको ओडिशा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है महानदी रिवर्स के बारे में जो पूछी गई है, महानदी रिवर जो न्यूज में थी इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया। ये जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है बिल्कुल सही बात है, ये जो है ईस्ट की तरफ जो फ्लो करती है और ये कवर करती है थ्री स्टेट्स। ये बिल्कुल गलत बात है, ये थ्री स्टेट्स कवर नहीं करती है, ये टू स्टेट्स कवर करेगी सिर्फ, छत्तीसगढ़ ओडिशा को, मध्य प्रदेश को ये कवर नहीं करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो जहां जहां वन है उसको आप कट कर देंगे तो बाई एलिमिनेशन आपका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर पूछा गया है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, और हीरोगुंड डैम जो है बिल्ड हुआ था क्रॉस द महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम शामलपुर इन द स्टेट ऑफ ओडिशियन इंडिया। यहाँ पर स्क्रीन सामने देख सकते हैं, ये मैंने जो है एनसीईआरटी का कटलेट लिया हुआ है। इसमें महानदी देखिए बताया गया कि इसमें महानदी जो राइजेस करती है नियर शियावा शियावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और रन करेगी थ्रू ओडिशा टू डिस्चार्ज वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल, और 851 किलोमीटर इज लॉन्ग रिवर है। तो देखिए इस तरह से ये न्यूज द हिंदू में आई थी, इसमें बोला था कि विंटर मिस्ट राइजेज ओवर द महानदी वाटर्स ऑन अ चिली विंटर डे एट द तिरकपाड़ा इन साइड द षटकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा। देखिए टीआरपी स्कैम काफी ज्यादा जो है न्यूज में था, तो टीआरपी की यहाँ पर जो आपसे जो फुल फॉर्म पूछी गई, तो टीआरपी की फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी इज टारगेट रेटिंग पॉइंट। और टीआरपी का यूज जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है जो उन्होंने फीस पे करनी होती है डिफरेंट चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और देखिए इंडिया में जो है टीआरपी को जो है बीआरसी जो है मेजर करती है, बीओआरसी इज अ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के बारे में देख लीजिए। ये 2010 में स्टेबल हुई मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर है, की पीपल इसके पुनिकेट गोनिया चेयरमैन जी हैं। ये जो एक ज्वाइंट इंडस्ट्री बॉडी है फोकस बाय स्टेक होल्डर बॉडीज आर प्रेजेंट ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइजर एंड एडवर्टाइजिंग मीडिया एजेंसीज, इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीविजन मेजरमेंट साइंस इंडस्ट्री बॉडी। कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिफरेंट चीज होती है उनकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। देखिए सीपीयू की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, पीडीएफ वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जेपीईजी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट मीटिंग डायोड, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एलएन, लोकल एरिया नेटवर्क, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एलटी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और डीटीएच डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया कि जो प्रपोज जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है कहां पर स्टेब्लिश की जाएगी, तो ये जो पुणे में जो हमारी जो स्टेब्लिश की जाएगी प्रपोज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। या आप द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, एम ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रहेगा टू मेक इंडिया एज अ सुपर पावर मिनिस्टर।
तो देखिए प्रपोज इंटरनेशनल सोलर यूनिवर्सिटी जो है पुणे बेल्वेडियर में जो है बनाई जाएगी, और इसको पुणे में इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्डअप है, शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो रहता है मेंगुआ इन बालीवाड़ी में, यहाँ पर इसको जो है बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन से, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है पुणे में स्टेब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फेमस जो ठांग का अंक की जो पोजेशन जो रहती है, या जो ग्लेव जो रहती है, ये रिलेटेड रहती है किस टेम्पल से रिलेटेड। तो ठांग का अंक की जो पोजेशन जो रहती है ये हमारी फेमस रहती है सबरीमाला टेम्पल केला से रिलेटेड। यहाँ पर आप हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, थांगांग की प्रोसेशन जो है रीच की सबरीमाला में ये है थांगांग की प्रोसेशन। और केला हाईकोर्ट, देखिए कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, केला हाईकोर्ट जजमेंट ने जो है लीगलाइज किया था इंटरप्रिटेशन और फॉरबेड कर दी थी वुमेन्स की एंट्री सबरीमाला टेम्पल। लेकिन बाद में देखिए टेम्पल एंट्री वुमेन्स रिलेटेड जो है काफी ज्यादा न्यूज में, जो सबरीमाला टेम्पल जो न्यूज में रहता था, बाद में जो इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केला केस हुआ, इसमें 4:1 मेजोरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैठी की वुमेन की एंट्री जो है केजरीवाला टेम्पल में होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो एक और रिव्यू पेटिशन जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेंडिंग पड़ी हुई है, और ये जो टेंपल रहता है ये लॉर्ड एप्पन जी को जो है समर्पित है सबरीमाला टेंपल, और ये केरला में लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबरीमाला श्रीन जो या टेंपल काफी ज्यादा न्यूज में देखता है, इसमें बोला गया केरला नोट बोलो वुमेन टू विजिट केरला सबरीमाला श्रीन। तो इस तरह से ये जो देखिए न्यूज में रहता है काफी ज्यादा सबरीमाला टेंपल, तो ध्यान रखिए ये केरला में लोकेटेड है, लॉर्ड एप्पन जी को जो है ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चंद्रयान 2 से रिलेटेड जो है पूछा गया है, इंडिया का सेकंड मिशन ऑन मून, और इससे रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो पहले बोली गई पास लॉन्च ऑन 22 जुलाई 2019, बिल्कुल सही बात है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसने जो ब्रॉड किया टुगेदर एन ऑर्बिटल लैंडर एंड रोवर विद ग्लोबल विद गोल, इसमें गोल रहता था एक्सप्लोरिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मूवमेंट। बाकी ये बातें तो सही है, ऑर्बिटल लैंडर और रोवर तो इसमें था, लेकिन नॉर्थ पोल को इसमें एक्सप्लोर नहीं करना था, इसमें साउथ पोल को जो एक्सप्लोर करना था, सेकंड स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ द लूनर ऑर्बिटर एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान लूनर रोवर ऑल ऑफ विच वर डिप्लॉयड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें जो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है इसरो की न्यूज आ रही है कि फर्स्ट सेट ऑफ डाटा जो है फ्रॉम चंद्रयान 2 जो रिलीज किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो जो हमारी जो एक स्पेस एजेंसी है 969 में एस्टेब्लिश हुई थी। और देखिए सेकंड मिशन जो था हमारा चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को जो है लॉन्च किया गया था, लेकिन जो लैंडर जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग जो नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर जो स्टिल वर्किंग कर रहा है, और ये हमारी जो एक बहुत जो खुशी और कामयाबी की बात है। अगर इंडिया का लैंडर जो सॉफ्ट लैंडिंग जो है मून के ऊपर कर जाता तो इंडिया ने फोर्थ कंट्री बन जाना था सोवियत यूनियन यूएसए और चाइना के बाद जो है ऐसा करने वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो नहीं कर पाया, इसकी एक जो है हार्ड लैंडिंग हुई जिसकी वजह से ये जो है क्रैश कर गया। इसमें जो है इसरो ने बोला कि इसमें जो है कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच जो है इसमें पाई गई। दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि डिसेबिलिटी स्टडीज और रिहैबिलिटेशन साइंसेज रिलेटेड जो है स्टडी कराएगी, ये कहां पर जो है ओपन करने की जो बात की जा रही है। तो ये जो है कमरूप आसाम में जो इसको जो खोलने की जो बात की जा रही है। तो मैप में अगर आप देखें तो ये रहेगा आसाम का मैप, और ये रहा गुवाहाटी, और गुवाहाटी के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कमरूप ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमरूप में जो है डिसेबिलिटी स्टडीज और रिहैबिलिटेशन साइंस रिलेटेड जो है यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। और आसाम का आप ध्यान रखना, आसाम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर कर गया, चाइना के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। स्टेट की अगर बात करें तो ये जो है देखिए वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि Ka-226T जो है रिसेंटली एक न्यूज में था, ये है क्या चीज है। तो ये जो है एक डिफेंस हेलीकॉप्टर है, और ये जो है हम रशिया से जो है बाय कर रहे हैं। ये आप हिंदू की न्यूज देख सकते हैं, आर्मी ने जो है मांगी हुई है कि ये जो एक्सपेडिटी फास्ट करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर डील को। देखिए इसमें कंसेंसस नहीं बन पा रही है, इंडिया चाहता है कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और 70% जो एयरक्राफ्ट की जो कंस्ट्रक्शन है 200 में से ये इंडिया में होनी चाहिए, लेकिन रशिया फिलहाल 62.4% तक इस पे जो है रिस्पॉन्स दे पाया है। और आर्मी बोलती है कि हमें जो इसके ऊपर जो इस डील के ऊपर वेवर देना चाहिए क्योंकि हमें जो हेलीकॉप्टर की जो अर्जेंट नीड है। तो इंपॉर्टेंट ये रहती है कि 226 जो हेलीकॉप्टर है हम जो है रशिया से खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन से हम देख सकते हैं, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन यूपीएससी जो पूछती रहती है। इसमें स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग द वर्टिकल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन देखिए काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में जो है न्यूज दी गई है। तो इसमें बोला गया कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करेगी, रिजर्वेशन आरक्षण प्रोवाइड करेगी वुमेन पोस्ट फॉर पुलिस, डिफेंसिबल पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स, आर्मी बटन एंड अदर कैटेगरीज होम वी चूज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। और बोला गया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करेगी SC ST OBC और जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन। देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें उल्टा कर दिया गया है, ये जो पार्ट रहेगा ये वर्टिकल रिजर्वेशन है और ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन होती है जिसमें SC ST OBC और अदर जनरल कैटेगरी वालों को जो है अंडर द आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ये
वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, जैसे हम वुमेन, डिसेबल पर्सन, फ्रीडम फाइटर, आर्मी पर्सन जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें जो है गलत हो जाएंगी। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, ध्यान रखना। वर्टिकल रिजर्वेशन डील करती है रिजर्वेशन रिलेटेड टू द एससी एसटी ओबीसी और जनरल कैटेगरी अंडर द आर्टिकल 15 और 16, जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहती है, जैसे वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो आप पुलिस में, डिफेंस लेवल पर्सन को रिजर्वेशन दी जाती है, फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन दी जाती है, आर्मी पर्सन को दी जाती है, तो इस तरह की रिजर्वेशन को जो है हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2020 जो रिलीज की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है हमारे पास यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, और एक और रिपोर्ट इनकी रहती है ग्लोबल अमीशन गैप रिपोर्ट। तो देखिए अगर आप न्यूज देखें तो इसमें बोला गया है कि सीओटी अमीशन जो रहती है ये जो है हाईएस्ट रहती है, फ्रॉम हाईएस्ट थी ये जो है बिल्डिंग सेक्टर से इन 2019। ये जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की जो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ये जो बोलती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो की जो फॉर्मेशन हुई थी 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर आपको जो इसके देखने को मिलेंगे नैरोबी केनिया, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर कोऑर्डिनेटिंग यूएन एनवायरमेंट एक्टिविटीज एंड असिस्टिंग डेवलपमेंट कंट्रीज इन हैविंग एनवायरमेंटल एंड साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। और ये जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो फाउंडेड हुआ था 1972 बाय द कनाडियन बिजनेसमैन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट मॉर्सी स्ट्रॉन्ग, इसके जो ये फर्स्ट डायरेक्टर थे फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक भी जो है हमारी रिपोर्ट रहती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की। और देखिए मॉनिटरी प्रोटोकॉल जो है ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ये मॉनिटरी जो कनाडा में जगह है यहाँ पर जो हुआ था और साइन हुआ था 26 अगस्त 1987 में। और इसके बाद जो है वीना ये जो है वीना कन्वेंशन की बात होती है, इससे पहले वीना कन्वेंशन हुई थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, इसको जो है वर्ल्ड मेटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है 1988 में जो इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो आपको जो इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। और इसको जो नोबेल पीस प्राइज भी जो है मिल चुका है 2007 का। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप देखें तो ये 9 मई 1992 को जो एस्टेब्लिश हुई है और 165 जो है इसमें सिग्नेचर है, 197 जो पार्टिंग कंट्री थी। और ये जो एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है एड्रेसिंग करनी है क्लाइमेट चेंज को, और ये जो साइन की गई थी बाय दी 154 मेंबर कंट्रीज। और देखिए अर्थ समिट हमारी रियो डी जनवरी में हुई थी 3rd-14th June 1992 को, इसको अर्थ समिट में जो बोला जाता है वहां पर इसको जो एस्टेब्लिश जो है किया गया था। और देखिए डिफरेंट जो है इसके अंदर तहत जो है ट्रीटीज और जो होती रहती है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया जो कि 1997 में जो साइन हुआ था, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की बात की गई थी। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुई 2016 में, और मेन एम जो रहता है UNFCCC का ये रहता है स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। और ग्रीन हाउस गैसेज में देखिए हमारी मिथेन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बोला हुआ है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है विड्रॉ हुई है, निकली है यूरोपियन यूनियन से आफ्टर पॉपुलर वोट रेफरेंडम के बाद। तो देखिए ग्रीनलैंड पहले जो मेंबर था यूरोपियन यूनियन का, लेकिन बाद में जब ये एक ऑटोनोमस जो है टेरिटरी जो है डेनमार्क की डिक्लेयर हुई तो बाद में इसने जो यू से विड्रॉ कर दिया। यूके ने जो है रिसेंटली 2016 के रेफरेंडम के बाद अभी 31 दिसंबर 2020 को इससे जो है लीव कर दिया है, टर्की कभी भी यू का मेंबर नहीं बनाया। तो ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर आप देखिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ग्रीनलैंड जो एक ऑटोनोमस कंट्री है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क और ये वन ऑफ द ईओएस कंट्री है, ओवरसीज कंट्रीज एंड टेरिटरीज में आती है एसोसिएटेड टू द यूरोपियन यूनियन। ग्रीनलैंड ने जो ज्वाइन किया था यूरोपियन कम्युनिटी 1973 और अलोंग विद डेनमार्क, बट आफ्टर गेनिंग ऑटोनोमी 1970 में इंट्रोडक्शन होम रूल विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड ने वोटेड कर दिया लीव इन 1982 और 1985 में जो लेफ्ट कर दिया। ब्रेक्जिट अब जो हैपन्स हो रही है, रेफरेंडम जो 2016 में हुआ था जिसमें 48% ने बोला था कि हमने ईयू में रहना है और 52% ने बोला था कि हमने ईयू से जो लीव कर देना है। ग्रीनलैंड और यूके को एक बार मैप में देख लो, ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, दिस इज अवर लविंग इंडिया। जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यूरोप, और यूरोप में यहाँ पर अगर हम जूम करेंगे नॉर्वेजियन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम बैक आपको करके बताऊं तो दिस इज अ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री आती है हमारे पास यूके, दिस इज आइलैंड, यूके कैपिटल लंदन, और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को स्ट्रेट ऑफ डोवर जो कि यूके और फ्रांस के बीच में रहेगी। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी टेरिटरी
ये ग्रीनलैंड ये जो बर्फ से ढका रहता है, दिस इज अ ग्रीनलैंड, लेबरेटर सी, बेफियन बे, ग्रीनलैंड सी यहाँ पर रहेगी, और डेनमार्क आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीदरलैंड्स के, जर्मनी के साथ, और नीदरलैंड्स की कैपिटल है कोपेहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन के सामने रहता है, देखिए इसमें पूछा गया है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, इसमें प्रेजिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है। देखिए तीन तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बताई गई है, आर्टिकल 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी और प्रेजिडेंट रूल, और 360 के तहत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारी कंट्री में कभी भी नहीं लगी हुई है। आज हमारे टुडे का टॉपिक है आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेजिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी लगती है। देखिए इसमें बोला गया है कि अंडर द आर्टिकल जो है प्रेजिडेंट जो है एज्यूम कर सकता है हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, ये जो एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है प्रेजिडेंट फ्रॉम एज्यूमिंग हिमसेल्फ पावर वेस्टेड और एक्साइड बाय हाई कोर्ट। देखिए जुडिशरी की पावर जो है इमरजेंसी के दौरान जो है एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकता है, ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही बात है थी। इसमें वो स्टेटमेंट जो इसमें जो है करेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 356 इसलिए न्यूज था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया हुआ है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है स्टेट में जो है इसको जो स्टडी करना पड़ेगा। देखिए स्टेट इमरजेंसी प्रेजिडेंट रूल लगता है हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जो है किसी स्टेट में हो जाता है, या स्टेट जो एब्सटेन कर देती है, बचती है टू फॉलो दी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस ऑफ दी सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आज तक किसी ने भी इसी तरह के ऑर्डर जो इससे पहले नहीं देखे हैं, दिस इज डिस्टर्बिंग, ये काफी ज्यादा परेशान करने पड़ा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे साहब ने इसको जो बोला हुआ है। और आर्टिकल 356 को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जब रिसीव करता है रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और अदरवाइज, देखिए और अदरवाइज ये क्लाउज काफी ज्यादा जो है डिबेट में रहती है क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में साइडिंग से, और प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि सिचुएशन जो इस तरह की राइज हो गई है स्टेट में कि उनको जो है वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट जो है बाई प्रोक्लेमेशन जो है एज्यूम कर सकता है हिमसेल्फ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और डिक्लेयर कर सकता है पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना हाई कोर्ट की जो पावर्स रहती है स्टेट की उनको जो है प्रेसिडेंट एज्यूम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन जो है रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च की गई है क्वेश्चन पूछा गया है। तो ई संपदा आपने ध्यान में रखना है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसको जो लॉन्च किया गया है ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन को। देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो इसको कवर किया हुआ है, दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने, ई संपदा मोबाइल ऐप ब्रिंग इनफॉर्मेटिव सिस्टम अक्रॉस कंट्री। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को जो है बूस्ट करना है ताकि इंश्योर हो सके ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन। ये डायरेक्टर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसके लिए जो एक वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप ई संपदा, और ये जो न्यू एप्लीकेशन है ये सिंगल विंडो प्रोवाइड करेगी हर एक सर्विस इंक्लूडिंग उसमें, चाहे अलॉटमेंट है ऑफ ओवर 1 लाख गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल स्पेस है अलॉटमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एम रहता है टू बूस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइडिंग वेरियस एस्टेट सर्विसेज लाइक अलॉटमेंट रिटेंशन रेगुलाइजेशन नोड यू सर्टिफिकेट्स। और इन्होंने फर्दर कहा कि ई संपदा जो है डेवलप की गई टू सिंप्लीफाइंग प्रोसेस एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम, दिस विल प्रमोट ईज ऑफ लिविंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर्स डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विसेज कैन बी अवेल्ड ऑनलाइन ऑन अ सिंगल विंडो ऑन अ लिविंग ट्रैकिंग एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना ई संपदा जो है लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए बांबरी अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जो है ये जो है लोकेटेड है, यहाँ पर सिचुएशन को दोबारा से जो नॉर्मलाइज कर दिया गया, अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया एंड क्वेंग नैम जो है वियतनाम का एक जो प्रोविंस रहता है, तो सारे के सारे जो करेक्टली जो ये मैच रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वही न्यूज इसमें दोबारा से मैंने लगाई हुई है, सिचुएशन सेंट्रल अफ्रीकन टाउन जो है अंडर कंट्रोल हो गई है, तो अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, क्विंग नैम जो प्रोविंस रहता है सेंट्रल वियतनाम में जो कि बॉर्डर करता है लाओस टू द वेस्ट, और इंडिया वियतनाम ने रिसेंटली अनाउंस किया न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन हेरिटेज कंजर्वेशन वियतनाम, और वियतनाम में जो एफ ब्लॉक ऑफ टेम्पल एट माइसन, तो माइसन टेम्पल देखिए काफी ज्यादा न्यूज में है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो माइसन टेम्पल आपको वियतनाम में देखने को मिलेंगे। डोंग डुआंग बुद्धिस्ट मोनेस्टरी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो डोंग डुआंग बुद्धिस्ट मोनेस्टरी भी वियतनाम में हमें देखने को मिलती है, और क्वेंग नाम जो है नाम चाम डाउ यानी ये सारे के सारे जो है आपके वियतनाम में लोकेटेड रहते हैं। ये जो आप वर्ल्ड मैप को जो देख सकते हैं दिस इज अवर लविंग इंडिया, यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं और अफ्रीकन कंट्रीज को देखें तो यहाँ पर आपको जो है गुल्फ ऑफ गिनी के साथ देखने को मिलेगा नाइजीरिया, और इसको जो हम और जूम करते हैं दैट इज अबूजा, अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। अगर हम जूम बैक करते हैं और ईस्ट की तरफ जाते हैं, वियतनाम को मैंने पहले मैप में लोकेट किया हुआ था, तो दिस इज अ वियतनाम और वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और ये यहाँ पर आप वियतनाम इस तरह से इस सर्कल को ये जो रेड कलर सर्कल है ये जो है इनका जो है क्वेंग नैम, ये जो प्रोविंस जो है इनका जो है रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि ग्रेट कंजक्शन जो है न्यूज में था रिसेंटली, ये जो है किन दो प्लैनेट से रिलेटेड जो है रहता है हमारे सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर और सैटर्न से रिलेटेड जो हमारा जो ग्रेट कंजक्शन रहता है 21 दिसंबर विंटर सोल्स के दिन ये जो देखने को मिला था। डिफरेंट न्यूज एजेंसी ने जो है इनको जो है कवर किया हुआ है। जुपिटर सैटर्न क्लोजेस्ट एवर टुमारो फर्स्ट टाइम सिंस 1623, इससे पहले 1623 में जो देखने को मिला था। और इन 1623 सोलर सिस्टम टू काइंड जुपिटर एंड सैटर्न ट्रेवल्ड टुगेदर अक्रॉस द स्काई। और देखिए जुपिटर जो है अराउंड द सन वन रेवोल्यूशन कंप्लीट के लिए 12 ईयर्स लेता है, जबकि जो सैटर्न जो रहता है ये 30 ईयर्स लेता है। और जुपिटर जो लार्जेस्ट प्लैनेट रहता है हमारे सोलर सिस्टम में और नियरली 11 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ रहता है और 300 टाइम्स द टाइम इट्स मास। और जुपिटर डिस्पाइट साइज जुपिटर का जो शॉर्टेस्ट डे रहता है ऑफ एनी अदर प्लैनेट, ये जो सिर्फ 10 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है मान लीजिए इस तरह से हमारा सन है तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इस तरह से करना, और रोटेशन का मतलब होता है अपनी ही एक्सिस में जो है रिवॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी सुपर इंपोर्टेंट कैटेगरी में रहता है, इसमें अगेन पूछा गया कि इनमें से कौन से जो करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए नाहरोंग पोर्ट रिसेंटली न्यूज में था, इंडियन नेवी की शिप जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, ये वियतनाम में लोकेटेड है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ग्वादर पोर्ट देखिए सीपैक अगर आप पढ़ते हैं तो ग्वादर पोर्ट बार बार आता है, ये पाकिस्तान के पास रहता है। और टू टैकल दी ग्वादर पोर्ट हम जो है इसके साथ ही एक छावार पोर्ट डेवलप करें ईरान में, तो सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। बंदरबास पोर्ट देखिए अजरबैजान में नहीं है, बंदरबास पोर्ट आपको जो है ईरान में जो है देखने को मिलेगा, तो थर्ड ये जो है गलत हो जाएगा, तो ए फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। इंडिया वियतनाम जो है रिसेंटली जो देखिए एक एक्साइज जो पैसेक्स जो है साउथ चाइना सी में जो कंडक्ट की है, इसमें इंडियन नेवी शिप किल्टन जो है रीच किया ना रोंग पोर्ट हो चाई मिन सिटी ऑन थर्सडे ऑफ वियतनाम। मिशन सागर थ्री जब हमने ह्यूमिटेरियन जो है असिस्टेंट जो है भेजी थी उस टाइम भी जो है हमारी देखिए न्यूज रहती है, नबल शिप जो है अराइव किया एट वियतनाम से ना रोंग पोर्ट, तो बहुत ज्यादा न्यूज में जो है ना रोंग पोर्ट जो है वियतनाम का रहता है, या मैप में जो है कैमरन को जो है देख सकते हैं। दिस इज पार्टली आइलैंड पार्सल आइलैंड दिस इज साउथ चाइना सी। ठीक है एक बार आप साउथ चाइना सी को देखिए इस तरह से मैप में देख लीजिए, साउथ चाइना सी को टच करेंगे वियतनाम चाइना फिलीपींस मलेशिया इंडोनेशिया, तो देखिए डिफरेंट ये जो कंट्रीज है ये जो है अपने डिफरेंट इसको जो है क्लेम करेगी, जैसे ब्रुनेई क्लेम करेगा यहां तक, फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि वियतनामीज क्लेम है यहां पर और चाइना क्लेम करता है, ये 9 डॉट डैश लाइन आपको देखने को मिलेगी दिस इज, और मलेशियन क्लेम रहता है इस तरह से। तो डिफरेंट कंट्रीज जो इस तरह से क्लेम करती है साउथ चाइना सी में, और डिस्प्यूट का कारण है पार्सल और स्पार्टली आइलैंड इस तरह से आपके यहाँ इसमें लोकेटेड है। तीनों पोर्ट को एक बार जो है मैप में लोकेट कर लेते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया और दिस इज नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में इस तरह से यहाँ पर जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है पोर्ट नजर मिलेगा, दैट इज ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट के साथ में यहीं पर जो है आपको ईरान में जो है छाबर पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि इंडिया के द्वारा जो डेवलप किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो है आपको जो बंदरबास पोर्ट जो है ईरान का देखने को मिलेगा। और इंडिया से अगेन आप ईस्ट की तरफ जाएं और वियतनाम पे यहां पर देखें तो यहां पर जो है आपको जो है नारोंग पोर्ट जो देखने को मिलेगा। देखिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है न्यूज में था रिसेंटली, तो इस रिलेटेड जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले शेड्यूल होती है कि डिजाइन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर, देखिए इस तरह से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स यूपीएससी डालती है, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ये रहता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट रहती है कि ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन अंडर प्रसार भारती आर मेंबर ऑफ एबीओ, बिल्कुल सही बात है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन अंडर प्रसार भारती जो है मेंबर है आईबीयू के, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो ये न्यूज में इसलिए था, आप पीआईबी की कटलेट देख सकते हैं, सीईओ जो रहते हैं हमारे प्रसार भारती के शशि शेखर वेम्पति जी, ये जो वाइस प्रेसिडेंट जो है एशिया ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के जो है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के जो बने हैं, और इनको जो प्रकाश जावेदकर जी के द्वारा जो कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया है शशि शेखर वेम्पति जी को फॉर विनिंग द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो यहाँ पर आप देखते हैं देखिए एशिया पैसिफिक जो ब्रॉडकास्ट यूनियन है ये नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल प्रोफेशनल एजुकेशन है और ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में जो स्टेब्लिश हुई है क्वालालंपुर विच इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, यहाँ पर इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती जो है इसके जो आपको मेंबर देखने को मिलेंगे, और प्रसार भारती सीईओ
शशि शेखर वेम्पति जी को जो वाइस प्रेसिडेंट जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के लिए जो इलेक्ट किया गया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया के लिए। कुआलालंपुर विच इज द कैपिटल मलेशिया, इसको मैप में लोकेट कर लेते हैं, जहां पर आपको जो है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। तो दिस इज अवर इंडिया, और यहां से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो दिस इज मलेशिया, और ये रहेगी इसकी कैपिटल कुआलालंपुर। तो मलेशिया देखिए बॉर्डर शेयर करेगा थाईलैंड के साथ, ये देखिए यहाँ पर थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, और नीचे जो सिंगापुर के साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। और इसके साथ साथ आप कन्फ्यूजन में मत चले जाना, मैंने इसलिए इसको जो है पूरा पूरा जो है हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी मलेशिया की टेरिटरी रहेगी, और यहाँ इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ भी ये लैंड बॉर्डर शेयर करेगा, और यहाँ पर भी आपको इसकी टेरिटरी देखने को मिलेगी। तो इस तरह के ये जो एक्सेप्शनल जो केसेस होते हैं, इनसे रिलेटेड जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप ध्यान रखना, मलेशिया एक जो है आपके थाईलैंड, दूसरा सिंगापुर, तीसरा इंडोनेशिया, और चौथा ब्रुनेई के साथ जो बॉर्डर शेयर करेगा। और इस तरह से यहाँ पर रियाउ आर्किपेलागो जो रियाउ आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, इसमें पूछा गया बुद्धिमा डांस। तो बिल्कुल सही बात है, बुद्धिमा डांस जाम्बिया में होता है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इसको इंक्लूड किया गया है। और पेंटम जो कि मलेशिया में जो ओल्ड पॉइंट जो रहती है, तो ये दोनों की दोनों जो है करेक्टली जो है मैच है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जाम्बिया बुद्धिमा डांस, ये जो प्रैक्टिस होता है वी पीपल ऑफ दी जाम्बिया। तो यहाँ से हमें ये पता भी लग रहा है कि वी पीपल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जाम्बिया में देखने को पड़ेंगे। और ग्वेम्बी वैली जो है साउथर्न प्रोविंस भी इसमें जो देखने को मिलेगी, और ये यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इसमें डाल दिया गया है। और पेंटून जो है एक ओल्ड माल्या पोइम रहती है, दैट इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ दी फोर लाइंस इन ईच सेंटेंस, और दी फर्स्ट टू लाइंस जो हिंट रहेगी, और अदर टू कैरियर जो एक्चुअल मीनिंग इसमें दर्शाएगी। और इसको भी लिस्ट कर दिया गया रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी कैटेगरी ऑफ यूनेस्को। जाम्बिया को एक बार मैप में लोकेट कर सकते हैं, तो दिस इज अवर लविंग इंडिया। और यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को देखेंगे, तो दिस इज जाम्बिया, जाम्बिया अगेन जो है हमारी एक लैंडलॉक्ड कंट्री रहेगी, और साउथ अफ्रीका का कोई बॉर्डर जाम्बिया के साथ नहीं रहेगा। जाम्बिया कैपिटल रहेगी लुसाका, और बॉर्डर शेयर करेगी एंगोला, एंगोला के साथ बॉर्डर शेयर करेगी, नाम्बिया के साथ बॉर्डर शेयर करेगी, बोत्सवाना के साथ, बोत्सवाना अगेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिम्बाब्वे के साथ, और यहाँ पर जो है मोजाम्बिक्यू और मलावी के साथ, और यहाँ पर जो है तांजानिया के साथ और डीआर कोंगो के साथ नॉर्थ में। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि किलाऊ वोल्केनो जो है कहाँ पर रहता है, तो यूएसए के हवाई में जो है पैसिफिक ओशन में जो ये लोकेटेड रहता है। फास्ट है, काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए स्टेटमेंट कुछ बताए गए हैं। इसमें बोला गया इनेबल्स ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ द टोल चार्ज, दैट टोल प्लाजा, बिल्कुल सही बात है, ट्रैफिक को कम करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है फास्ट टैग जो है इनेबल कर दिए गए हैं। और टैग जो इंप्लाइज करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आरएफआईडी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये आप पीआईबी की न्यूज देख सकते हैं, गडकरी ने अनाउंस कर दिया है कि मैंडेटरी फास्ट टैग जो 1 जनवरी 2021 से जो हो जाएंगे। तो जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो नितिन गडकरी जी रहते हैं, इन्होंने बोला है कि फास्ट टैग जो है मैंडेटरी होंगे हर एक व्हीकल्स के लिए 1 जनवरी 2021 के बाद। फास्ट टैग को जो है लॉन्च किया था 2016 में, एंड फोर बैंक्स टुगेदर यूज नियरली लैक ऑफ देम, और 2017 में देयर नंबर जो है 7 लाख हो गया है, 34 लाख फास्ट टैग जो 2018 में जो इशू किए गए हैं। और ये जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 सिंस 1 दिसंबर 2019 फास्ट टैग जो है बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू फोर व्हील्ड व्हीकल्स सप्लाइड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर और देयर डीलर्स। अगेन दिस इज अ न्यूज आउटलेट ऑफ पीआईबी, और इसमें बोला गया कि एनएचएआई के अंडर ये जो है फास्ट टैग रहेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का ये जो है यूज करेंगे। ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ट्रिकी थोड़ा सा इसको मैंने बना दिया हुआ है। इसमें बोला गया कि मन की बात जो कि हमारे पीएम जी के द्वारा जो इंडियन रेडियो के ऊपर जो है प्रोग्राम किया जाता है, ये कब स्टार्टेड किया गया था, कि इसको कब शुरू किया गया था। देखिए अक्टूबर तो है ही, अक्टूबर 2014 तो पता लग रहा है कि अक्टूबर 2014 तो हो गया होगा, लेकिन कब इसको जो है शुरू किया गया। देखिए फर्स्ट और फोर अक्टूबर तो आप काट सकते हैं, सेकंड और थर्ड में जो है आपको थोड़ा 50-50 रहना चाहिए, तो इसको आप ध्यान रखना है 3 अक्टूबर 2014 को जो है मोदी जी के द्वारा मन की बात को जो शुरू किया गया था। यहाँ पर आप विकिपीडिया की अपडेट देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में ये जो है सुनाया जाता है मन की बात, इसमें मोदी जी इंटरेक्ट करते हैं सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। तो मन की बात जो है प्रोग्राम होता है होस्टेड बाय पीएम मोदी, विद एड्रेस जो है इसमें ऑल इंडिया रेडियो डीडी नेशनल डीडी न्यूज में आपको मिलेगा, और 3 अक्टूबर 2014 से इसको शुरू किया गया था, और 22 एपिसोड जो है सो फार 27 दिसंबर 2022 तक जो है हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से किन स्टेट्स के अंदर जो आपको इन लाइन परमिट सिस्टम रहता है, इन लाइन परमिट का मतलब है कि चाहे सिटीजन है चाहे फॉरनर्स हैं, उनको जो है एक इनर लाइन परमिट जो है लेके जाना पड़ेगा, तभी वो उसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर में सिर्फ और सिर्फ फॉरनर्स के लिए जो है इनर लाइन परमिट है, सिटीजन के लिए नहीं है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पर फॉरनर एज वेल एज सिटीजन की इनर लाइन परमिट है, बिना इजाजत के सिटीजन भी जो है इन स्टेट्स के अंदर नहीं जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया, चारों स्टेट्स में आपको जो है इनर लाइन परमिट का जो है सिस्टम जो देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। यहाँ पर देखिए बोला गया कि टू ऑफ दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो रहती है
कर्बी एंगलोंग दामासो, यहाँ पर जो आपको जो है इन लाइन परमिट जो देखने को मिलेगा। फिर बॉर्डर लैंड टेरिटोरी एरियाज डिस्ट्रिक्ट रहेगी आसाम की, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश रहेगा, फिर नीचे नागालैंड मणिपुर मिजोरम, यहाँ पर भी आपको जो है इन लाइन परमिट जो है देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में भी आपको देखने को मिलता है, मेघालय तो अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश आईएलपी डिजाइन में है, नागालैंड पूरा का पूरा, त्रिपुरा का 70% जियोग्राफिकल एरिया, मेघालय का ऑलमोस्ट इंटायर स्टेट जो कि सिक्स शेड्यूल में कवर होती है एक्सेप्ट पार्ट ऑफ शिलोंग, आसाम के थ्री ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर द सिक्स शेड्यूल, और मणिपुर इंटायर स्टेट अंडर द आईएलपी डिजाइन। ठीक है, द हिंदू की न्यूज आप देख सकते हैं, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला कि इन लाइन परमिट जो सेंटर का बिगेस्ट गिफ्ट है मणिपुर का, मणिपुर को देखिए इन लाइन परमिट को जो दोबारा स्टोर कर दिया, और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है इसको जो लागू किया जाता है, इन लाइन परमिट जो है एग्जाम जो है एक्सटेंड कर दिया गया था मणिपुर को 11 दिसंबर 2019 को, रामनाथ कोविंद के द्वारा साइन किया गया था इस ऑर्डर को, ताकि इनको जो है सीएए से जो है एग्जेंप्शन जो दी जा सके। और केबू लमजाओ नेशनल पार्क जो आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, लोकटक लेक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और शंघाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है मणिपुर में। दिस क्वेश्चन इज अगेन लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल काफी ज्यादा न्यूज है क्योंकि इनके पीएम के द्वारा जो है इनके प्रेसिडेंट के द्वारा सॉरी जो है जो असेंबली है इनकी उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, तो नेशनल एनिमल होम नेपाल जो आपका काउ रहता है। लेकिन नेपाल की इंटरनल पोस्टिंग में पॉलिटिक्स में चाइना काफी ज्यादा मेडलिंग कर रहा है, शेप कर रहा है, वो चाहते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जो पावर में है नेपाल में वो जो है नेपाल में कंटिन्यू पावर में रहे, और नेपाल जो हमेशा जो है प्रो चाइना बना रहे। तो ऑन नेपाल इंडिया प्रेफरेंस ने पोस्ट किया है कि हम साइड लाइन से जो इसको देख रहे हैं, हम जो इंडिया जो है इंटरनल मैटर्स में जो है नेपाल के साथ जो इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और नेपाल के साथ हमारे टू बॉर्डर डिस्प्यूट है, वन इज कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट, सेकंड वन इज सुस्ता वाटर डिस्प्यूट, सॉरी सुस्ता रीजन डिस्प्यूट रहता है, एक कालापानी रीजन को लेकर रहता है, कालापानी को नेपाल क्लेम करता है और दूसरा जो है सुस्ता का रहता है। नेपाल को मैप में लोकेट कर लेते हैं, नेपाल जो देखिए लैंड लॉक कंट्री रहेगा हमारे प्यारे भारत के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नेपाल के साथ जो हमारी स्टेट बॉर्डर करेंगे उसमें आएगा उत्तराखंड यूपी बिहार वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, असम को कोई बॉर्डर नेपाल के साथ नहीं रहेगा, कैपिटल इज काठमांडू, नेशनल स्पोर्ट इज वॉलीबॉल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि आपने हमने करना है मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर फोरकनास है यहाँ पर स्टेट, तो बिहू देखिए हमारा फोरकनास रहता है आसाम का, गरबा आपको जो है देखिए गुजरात में देखने को मिलेगा, भांगड़ा और गिद्दा देखिए आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेम्बू डांस, बेम्बू डांस जो है बहुत इंपॉर्टेंट डांस रहेगा हमारे मिजोरम का, इस बेम्बू डांस को आपने ध्यान में रखना, इसको जो है सी एच ई आर ए डब्ल्यू चीरा डांस भी बोला जाता है। कोली डांस आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, धूमल जो फोक डांस है ये जो हमें कश्मीर में देखने को मिलता है, और छू जो डांस रहता है फोक डांस ये बंगाल में देखने को मिलता है। तो मेक श्योर टू रिमेम्बर ऑल दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि कुचिपुड़ी जो कि एक प्री इमिनेंट इंडियन क्लासिकल डांस है, फॉर्म काउंटेड अमंग दी 10 लीडिंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ द इंडिया, ये ऑरिजिनेट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वो कुचिपुड़ी हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, यहाँ से इसने ऑरिजिनेट किया हुआ है, और ये डांस रिसेंटली न्यूज में थे, आप ये द हिंदू की न्यूज देख सकते हैं। इमिनेंट जो डांस कॉलर है हमारे सुनील कोठारी, इनकी डेथ होगी 87 और संगीत अकेडमी फेलो भी ये थे, बोर्न हुए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और पद्मश्री विनर है विद एक्सक्लूसिव इन भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाएगा, कथक जो कि हमारे केरला में होता है, और मणिपुरी डांस सत्रिया डांस आसाम का क्लासिकल डांस है। देखिए न्यूज पेपर से हमें कितना नॉलेज मिलता है, न्यूज पेपर जो है एक सी ऑफ नॉलेज रहता है, और न्यूज पेपर जो हमें पढ़ना चाहिए। अब इसके बाद न्यू डायरेक्शन इन इंडियन डांस कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का रहता है, तो इस तरह से देखिए न्यूज पेपर में भी काफी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो दीज आर दी इंडियन क्लासिकल डांस बाय दी संगीत नाट्य अकेडमी, भरतनाट्यम हमारे तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाएगा, कथक ऑफ यूपी आई मेक अ पार्डन कथक यूपी में होगा, और कथकली जो है केरला में, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, सत्रिया डांस फ्रॉम आसाम, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बोला गया कि ये जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ये न्यूज में रहती है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो चाइना जो है यूज करता है, इसमें ये जो वुल्फ वॉरियर सीरीज वेब इंटरनेट में जो शो करते हैं जिसमें जो है चाइना को जो है अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो प्रोटेक्ट करते हुए जो दर्शाया जाता है। और ग्लोबल टाइम्स जो कि न्यूज़पेपर रहता है चाइना की, इन्होंने बोला देखिए ओवर 70% रिस्पोंडेंट बिलीव चाइनाज ग्लोबल इमेज हैज इंप्रूव्ड वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अ नेसेसरी गेस्चर। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें ये बोला गया कि किस पर्सन को जो है नसूरा का शेर जो है बोला जाता है, तो नसूरा का शेर आपने हमारा मोहम्मद उस्मान को बोला जाता है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो है हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर थे, जो कि 1947-48 वार जो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था उसमें जो है ये मेटायर हो गए थे, शहीद हो गए थे, और हमारी जो आर्मी है ये चाहती है कि रिस्टोर करना चाहते हैं ग्रेव ऑफ नसूरा शेखर, जो कब्र जो रहती है मोहम्मद उस्मान की, इसको ये रिस्टोर करना चाहते हैं, ये जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जो कि किल्ड होते 1947-48 वार विद पाकिस्तान, और ये जो जामा मिला इस्लामिया न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जो देखने को मिलेगी इनकी कब्र। ठीक है, जामिया मिला इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो 1922 में जो स्टेब्लिश हुई थी, और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लोकेट रही है जामिया नगर इन न्यू दिल्ली।
26 दिसंबर 1988 को जो है इसको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस जो है मिल गया था, और 2020 में जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो रैंक नंबर वन पे थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो रैंकिंग आई हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में 2020 में नंबर वन पे जामिया मिला जो है ये यूनिवर्सिटी थी, और टॉट मैन व्हाट ही न्यू नॉट, इसका ये मोटो है। ग्रेट ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी, देखिए हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के, जो कि रिटायर हो गए थे इंडियन पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। तो देखिए एज अ मुस्लिम, देखिए इन्होंने एक सेकुलरिज्म का जो है बात की थी, एक सेकुलरिज्म का परिचय दिया था। इन्होंने पार्टीशन के बाद जो है पाकिस्तान को ज्वाइन ना करके ये हमारे इंडिया में ही रहे और इंडियन आर्मी को इन्होंने सर्व किया। दैट्स अ प्राउड टू दिस ग्रेट सोल। नेक्स्ट रहता है कि पेदान दिक्री इल्लू, तो पेदान दिक्री इल्लू हाउसिंग फॉर पुअर स्कीम किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। नाम के हिसाब जो स्कीम्स होती हैं स्टेट्स की, इनको भी आप जरूर मेमोराइज कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम्स रहती हैं। तो जी जो वाई एस जगमोहन रेड्डी जी साहब जो रहते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये चाहते थे मोदी जी को 25 मार्च को पेदान दिक्री इल्लू हाउसिंग फॉर पुअर स्कीम्स को इनॉग्रेट करने के लिए, लेकिन बाद में कोरोना पैंडेमिक होने के कारण जो मोदी जी इसको इनॉग्रेट नहीं कर पाए, तो जगन साहब ने इसको खुद ही जो है सेंट्रली जो लॉन्च कर दिया हुआ है, दैट इज पेदान दिक्री इल्लू हाउसिंग फॉर पुअर स्कीम। रायतु बंधु स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है फॉर फार्मर्स ऑफ दी तेलंगाना, तो इस तरह से आप रायतु बंधु स्कीम के बारे में देख सकते हैं। ये जो फार्मर इन्वेस्टमेंट स्कीम रहती है, वेलफेयर प्रोग्राम रहता है टू सपोर्ट दी इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 क्रिप्स ईयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और इसमें जो है 5000 पर एकड़ पर सीजन जो इसमें जो प्रोवाइड कराया जाते हैं फार्मर्स को, 2 सीजन रबी और क्रिप सीजन में, और देखिए रबी सीजन को यशांग बोलते हैं, और ये 10 मई 2018 को जो लॉन्च की गई थी। बजट इसका 12,000 करोड़ पर ईयर का रहता है। और कालिया स्कीम रहती है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जो ओडिशा की है जो स्कीम रहती है पीएम किसान की तरफ, और देखिए न्यूज में इसलिए थी क्योंकि तेलंगाना फार्मर्स ने गेट कर दिया 5000 पर एकड़ अंडर दी रायतु बंधु स्कीम, दिस इज न्यूज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन से हम देख सकते हैं, इसमें बोला गया जो गोगला जो बीच है जो कि न्यूज में थी रिसेंटली, ये किस यूटी में आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी दमन एंड दीव में, और दमन एंड दीव की कैपिटल है दीव। देखिए दादरा नगर हवेली से रिलेटेड जो हमारी 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है रहती है 1961 की, जिसके बाद ये यूटी बन गई थी दादरा नगर हवेली से रिलेटेड जो है 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1961 की जो है रहती है। लक्ष्मी से रिलेटेड ध्यान रखना, ये ऐसी यूटी है जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस में स्विच कर दिया है, और 9 डिग्री चैनल जो आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ध्यान रखना ये भी बंगाल में लोकेटेड है, और 10 डिग्री चैनल जो अंडमान आइलैंड्स को जो निकोबार आइलैंड्स से सेपरेट करते हैं। इस तरह से आप दीव आइलैंड का ये मैप देख सकते हैं, गुजरात के साथ ये आइलैंड आपको जो देखने को मिलेगा अरबिंद सी में, इस तरह से आपको ये देखने को जो है मिलता है। ये रही इसकी गोगला बीच, और यहाँ पर देखिए द हिंदू की न्यूज है प्रेसिडेंट पोस्ट वीडियो ऑफ द हिम जॉगिंग एट दीव बीच, तो दीव बीच के ऊपर ये जॉगिंग कर रहे थे, हल्की हल्की रेस लगा रहे थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। गोगला बीच आपकी दमन एंड दीव में लोकेटेड रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ग्लोबली रिकॉग्नाइज जो इको लेवल होता है, ये फाउंडेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा इसके द्वारा जो दिया जाता है, एडवर्टाइज को इसमें 33 क्राइटेरिया के हिसाब से इसको दिया जाता है, इससे टूरिज्म वगैरह जो प्रमोट होता है। और इंडिया सेकंड की है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस ऑन 6 अक्टूबर 2020। इसमें एक इंटरनेशनल ज्यूरी जो है कंपराइजिंग मेंबर ऑफ दी यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूएसको आईयूसीएन आईएलएसएफडब्ल्यू अवार्ड एट कोपेहेगन, तो बीच जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, कोपाड़ बीच केरला, शिवराजपुर बीच गुजरात, गोगला बीच दीव, कासराकोड एंड पदुबिद्री कर्नाटका, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ओडिशा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इन बीच को आप जो मेमोराइज कर लीजिए। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटेशन अगेन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन, और ये जो है एक्टिव रहती है थ्रू 5 प्रोग्राम्स, ब्लू फ्लैग, इको स्कूल्स, यंग रिपोर्टर्स फॉर एनवायरमेंट, लर्न अबाउट फॉरेस्ट, ये इनके इनिशिएटिव रहते हैं 1981 में फॉर्म हुई थी, और कोपेहेगन विच इज कैपिटल डेनमार्क, यहां पर इसको आपको जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वन बेल्ट वन रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है किस कंट्री का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लान है, ये जो है आपके चाइना का जो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। न्यूज देखिए द हिंदू में आएगी, चाइना डिफेंड कर रहा है प्रोग्रेस ऑफ पाक कॉरिडोर। देखिए वन बेल्ट वन रोड क्या ही इनिशिएटिव है, सीपैक, जो कि काशगर टू ग्वादर जाएगा, काशगर इन जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना टू दी ग्वादर, लेकिन इंडिया का इसमें जो सोवरेनिटी कंसर्न है, क्योंकि ये जो है इंडिया की टेरिटरी से जो है आ रहा है, जो कि पीओके जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इसलिए इंडिया ने जो है एब्सटेन किया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो रहता है चाइना का। इसके साथ भूटान ने भी जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का ज्वाइन नहीं किया है। आप विकिपीडिया आउटलेट देख सकते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वन बेल्ट वन रोड जो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है चाइना गवर्नमेंट की, 2030 में इसको जो अनाउंस किया गया था बाय द प्रेसिडेंट साइजिन बिंग। तो इसके जो है 2 पार्ट रहेंगे आपके, बेल्ट का मतलब है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट,
और रोड का मतलब है 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रोड, जो जो बेलेट है जो कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट होगी, ये जो है रोड ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन होगी लैंड रोड सेंट्रल एशिया से टू द हिस्टोरिक ट्रेड रूट टू द वेस्टर्न ईस्टर्न टू यूरोपियन कंट्रीज तक, और 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रूट जो है इंडो पैसिफिक सी रूट से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज तक जो है इस तरह से जाएगा। देखिए मेंस में आपको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिखने को आ सकता है, एचपीएस 2020 मेंस में इससे रिलेटेड जो है पूछा गया था। तो देखिए इसमें आपने ध्यान रखना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, पहले ही तो बात है कि एक चाइना का जो है ग्रांड जो है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको ये जो है 2049 या 2050 तक जो है इसको जो है कंप्लीट करना चाहते हैं, 2050 आप इसकी डेडलाइन लेके चल सकते हैं। तो इसमें देखिए इसके दो पार्ट हैं, चाइना का प्लान है कि एक इसका पार्ट रहेगा SREB दैट इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इसमें ये रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे जो कि इस तरह से चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए जो है इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज को जो है ये इस तरह से जाएगा। दूसरा इसमें रहेगा 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रूट, जिसमें चाइना के फुजोउ से होते हुए इस तरह से मैरिटाइम सिल्क रूट चलेगा, ये साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए आसियान कंट्रीज से होते हुए इस तरह साउथ एशिया को कवर करते हुए, यहाँ पर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को कवर करते हुए, अफ्रीकन कंट्रीज को कवर करते हुए, मिडल ईस्ट कंट्रीज को कवर करते हुए, ये जो है थ्रू पोर्ट्स, पोर्ट्स के द्वारा, बंदरगाह के द्वारा ये जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के द्वारा जो कनेक्ट होगा। और इसको जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी चाइना की बोलते हैं, क्योंकि इन प्रेजेंट चाइना जो है ट्राई कर रहा है इंडिया को जो है चारों तरफ से जो घेरने की, इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए चाइना जो है सी पैक निकाल रहा है ऐसे ऊपर से, और नीचे से इनका ऑटोमेटिक 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रूट जा रहा है, और ऊपर से इस तरह से इनका जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो है इनका इस तरह से जाएगा। तो आने वाले टाइम में चाइना जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि जो जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इनका ज्वाइन करेंगे, तो जो भी इन पोर्ट्स या रेल रूट से रेलवेज का यूज करेंगे यहाँ पर चाइना हो सकता है टैक्स ले, और इसके साथ साथ अगर इनकी किसी कंट्रीज के साथ जो है रिलेशनशिप जो है डिटेरियोरेट होती है, तो ये जो है इन रास्तों को जो है ब्लॉक भी कर सकते हैं। भाषणचार आइलैंड बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये जो बांग्लादेश का रहता है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो है रोहिंग्या मुस्लिम को भाषणचार आइलैंड में जो है शिफ्ट करना जो है शुरू कर दिया है। तो दिस इज अ मैप ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के पास आपको मिलेगा भाषणचार आइलैंड, कोस्ट बुजार एक इंपॉर्टेंट जगह है, इट इज इन म्यांमार, और रखाइन एरिया से जो है ये जो निकले हुए हैं म्यांमार के रखाइन स्टेट से रोहिंग्या। तो ढाका मूव्स रिफ्यूजी टू द बैरन आइलैंड, देखिए ये काफी बैरन बंजर आइलैंड ये रहता है, और मोर देन 1600 मुस्लिम माइनोरिटीज को जो भाषणचार आइलैंड में लिया जा चुका है, दिस इज द हिंदू न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें बोला गया कि वर्किंग पेपर टाइटल मेजरिंग ट्रेंड्स इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये देखिए मेजरिंग ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन इंडिया, ये जो आरबीआई के द्वारा जो रिलीज किया जाता है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई, बैंक ऑफ बैंक्स भी इसको जो बोला जाता है, शक्ति सिंह दास जो हमारे जो गवर्नर रहते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, न्यूज द हिंदू में आई थी कि मेंटेनिंग इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% इज एप्रोप्रिएट, आरबीआई पेपर ने बोला मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इंडिया, इस बोर्ड ने ये बोला कि 4% प्लस माइनस 2 का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है आरबीआई की, इसको जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काफी इंपॉर्टेंट कमेटी रहती है आरबीआई की, इसमें ध्यान रखना आप 3 जो मेंबर जो रहते हैं ये जो है इसमें जो है आरबीआई के रहेंगे, और 3 जो है गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे, और आरबीआई के गवर्नर जो है इसके जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेंगे, प्रेजेंटली जो शक्तिकांत दास जो है इसके जो है चेयरमैन रहेंगे कमेटी के। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रिस्पॉन्स रहती है फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, और इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है 4 प्लस माइनस 2 का, 4% प्लस माइनस 2 का, ये भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको करती है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो काफी सारा न्यूज में रहता है, तो ध्यान रखना नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है इसको जो लीज करता है, इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इसमें जो है डाटा जो इसमें जो बताए जाते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैच द फॉलोइंग है, इसमें ये जो है आर्किटेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट फेमस आर्किटेक्ट्स, और यहाँ पर इनके द्वारा ये जो प्लेसेस हैं जो बनाए गए हैं, देखिए एंटोनी रेमंड और जियोज नक्सिमा के द्वारा जो है गोलकोंडा वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न बिल्डिंग जो कि आपको पूरी चीज को देखने को मिलेगी, इनके द्वारा बनाई गई थी। तो ध्यान रखना रेमंड और जियोज नक्सिमा गोलकोंडा वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न बिल्डिंग, अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न बिल्डिंग तो गोलकोंडा वहां पर निकल जाएगा, पुडुचेरी, ये बिल्डिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर क्वींसबर्गर ने जो जमदेसपुर जो डिजाइन किया 1940 में, फिर भुवनेश्वर 1948 और फरीदाबाद 1949, और लेक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चंडीगढ़ का डिजाइन उन्होंने किया हुआ है, और लुईस खान न्यूज में थे IIM अहमदाबाद जो इनके द्वारा जो डिजाइन किया गया है। ये जो मैंने था इंडियन एक्सप्रेस लिया हुआ है, इसमें आया था एक्सप्लेन द सिग्नेचर ऑफ खान एंड अदर फॉरेन आर्टिस्ट्स फॉर इंडियन सिटीज। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, देखिए जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है न्यूज में है, ये जो है रिलेटेड रहता है हमारे ईयू से, इसको मेक श्योर यू रिमेंबर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है ईयू से रिलेटेड रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है रेगुलेशन आती है यू लॉ की ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। नेक्स्ट न्यूज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड डिकेड, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, पूरे दशक का जो है डिकेड का मतलब होता है 10 सालों का, तो आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड जो है किसको मिला हुआ है, तो ये जो हमारे विराट कोहली जी को जो है ये अवार्ड जो है मिला हुआ है।
आईसीसी की वेबसाइट से ये मैंने कटलेट लिया हुआ है। तो आईसीसी अवार्ड्स फॉर डेडिकेट इसमें दिए गए, विराट कोहली इसको मिला हुआ है, सर गेल फील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, उसके बाद एलसी पेरी इनको जो है फीमेल कैटेगरी में मिला हुआ है क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, रियाल हेनोली फ्लिंट अवार्ड इसको बोलते हैं, और स्टीव स्मिथ को जो है आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, विराट कोहली को आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, एलसी पेरी को आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, राशिद खान को आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं, एलसी पेरी को आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, केल्स कोटचर को आईसीसी मैन एशोर्ड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, कैथरीन बेयर्स को आईसीसी वुमेन एशोर्ड क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, और बहुत ही एमएस धोनी जी को जो है आईसीसी स्पिरिट एंड क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, विराट कोहली विंस आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड, धोनी पिक्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो डिजिटल ऑशिन, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑशिन एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा जो इसको जो लॉन्च किया गया है, देखिए द हिंदू की न्यूज रहती है, इनको इस लॉन्च इज डिजिटल ऑशिन, इनको इसका मतलब है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशिन एंड इन्फॉर्मेटिक सर्विसेज, तो डिजिटल ओशिन प्लेटफॉर्म जो इनके द्वारा इस तरह से लॉन्च किया गया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशिन इन्फॉर्मेटिक सर्विस जो है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा प्रगति नगर हैदराबाद में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशिन रिसर्च मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया, इसका हेडक्वार्टर वास्को डी गामा गोवा में आपको मिलेगा, 25 मई 1922 किया हुआ है, ये जो है कि इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन लोकेटेड वास्को डी गामा, और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और अंटार्कटिका में जो भी हमारी रिसर्च स्टेशन है भारतीय और मैत्री, इनके जो भी प्रोग्राम रहते हैं इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, इसको जो ये मेंटेन और रेगुलेट और एडमिनिस्टर करता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है ऑल्सो कोड बताया था, सो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ट्रेडी, ये जो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो सी से रिलेटेड जो है चीजों को देखते हैं, 10 दिसंबर 1922 को ये जो साइन हुई थी, और मोंटेगो बे जमैका में इसका आपको एडवोकेट देखने को जो है मिलेगा। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो देखिए गवर्नमेंट मैरिटाइम कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल एजेंसी रहेगी यूनाइटेड नेशन की, हेडक्वार्टर लंदन यूके में जो आपको इसको इसके जो देखने को मिलेंगे, और 174 जो मेंबर स्टेट जो इसके रहते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमने कंसीडर करनी स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो फ्रेट कॉरिडोर होते हैं जो भी सामान और भाड़ा ले जाने वाली जो ट्रेन होती है उनके लिए जो है कॉरिडोर ये बनाए जाते हैं, ताकि फास्टर मूवमेंट्स जो है गुड्स की जो है उसके जिससे जो लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी। देखिए रेलवे जो पहली बात जो है सस्ती रहती है, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रहती है, और पेरिशेबल आइटम जो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचाए और सस्ती पहुंचाए, तो इस आइटम के रेट्स भी कम रहेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंपटीशन भी जो है हमारे कंट्री में इसमें बढ़ेगा। तो फ्रेट देखिए भाड़े वाली जो ट्रेनें हैं तो नेचुरली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही इनका वर्क देखेगी। ओके तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कवर्स करेगा 6 स्टेट। देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर रहेगा ये हमारे पंजाब लुधियाना से चलते हुए पंजाब के बाद ही हरियाणा जाएगा, हरियाणा के बाद ये जो उत्तराखंड, सॉरी आई मेक अ पार्डन, उत्तराखंड यूपी, तो पंजाब पंजाब के बाद हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद आएगा बिहार, बिहार के बाद आएगा झारखंड, और झारखंड के बाद आएगा इसमें वेस्ट बंगाल। तो स्टेट्स कितनी होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहां पर जो 6 स्टेट्स बोलेगी है पंजाब, हरियाणा सेकंड, यूपी थर्ड, बिहार फोर्थ, झारखंड 5 और वेस्ट बंगाल 6 स्टेट से होते हुए जाएगा, 6 होगी पूरी, सॉरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, उसके बाद रहेगा हमारे पास वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कवर करेगा 7 स्टेट। देखिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की मुंबई तक ये जाएगा, ये 4 स्टेट्स को कवर करेगा, दिल्ली हमारी यूटी आ जाएगी, 7 स्टेट्स को कवर नहीं करेगा, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो 1 ओनली इज करेक्ट। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में सही ढंग से आप समझ लीजिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो एक फ्रेट स्पेसिफिक रेलवे रहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ टू ईस्टर्न इंडिया बाय इंडियन रेलवे, और रेलवे रन करेगी बिटवीन लुधियाना इन पंजाब टू दी धनकुनी कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, और इसे जो है देखिए ये जो 1839 किलोमीटर का एक जो है हमारा जो है फ्रेट कॉरिडोर रहेगा, और कॉरिडोर में जो है पास रहेगा थ्रू दी दादरी विच इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो एक जंक्शन इसके ऊपर दादरी में रहेगा जहां से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में देख लीजिए, ये भी अगेन ब्रॉड गोज फ्रेट कॉरिडोर रहता है, कंस्ट्रक्शन इसकी इंडियन रेलवे ही देख रही है, ये जो दिल्ली को नवी मुंबई के साथ कनेक्ट करेगा, 1483 किलोमीटर का ये जो है आपका एरिया कवर करेगा, और दिल्ली एनसीटी हरियाणा राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र तक ये जाएगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मैप आप एक बार देख लीजिए, दिस इज अ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इस तरह से लुधियाना से जाएगा पंजाब, पंजाब से होते हुए ये जो है हरियाणा, हरियाणा से होते हुए ये जो है यूपी, यूपी से होते हुए फिर ये आगे बिहार, और बिहार से होते हुए फिर आगे झारखंड, और झारखंड के बाद यहाँ पर बांग्लादेश के सॉरी वेस्ट बंगाल के धनकुनी में, और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये जो हमारे यहाँ से
जो है दिल्ली से इस तरह से कनेक्ट होगा दादरी में, हरियाणा, हरियाणा से होते हुए जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद ये पहुंचेगा गुजरात, और गुजरात के बाद ये जो है महाराष्ट्र में फोर स्टेट्स को ये कवर करेगा। तो ये अगेन आप एक जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये जो आप मैप देख सकते हैं, ये जो देखिए आपके लुधियाना पंजाब से होते हुए उसके बाद हरियाणा से जाएगा, उसके बाद यूपी, यूपी के बाद ये बिहार, बिहार के बाद ये झारखंड, और झारखंड के बाद ये जो है इस तरह से है धनिकन वेस्ट बंगाल तक जो है ये जाएगा। दिस इज अ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दादरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ से हरियाणा, हरियाणा से होते हुए राजस्थान, राजस्थान से होते हुए गुजरात, और गुजरात के बाद ये जाएगा इस तरह से महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप इसको जो है ध्यान रख लेना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मुंबई तक ये जाएगा, नवी मुंबई तक, फोर स्टेट्स को ये कवर करेगा। तो देखिए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है इंडियन रेलवे ने इसका जो बनाया था एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है इंडियन रेलवे द्वारा जो है स्टेब्लिश की गई थी फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दी कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 इन 2006 में ये रजिस्टर हुई है, 2006 को जो है स्टेब्लिश हुई है की पीपल विनोद कुमार यादव। जीएवीआई जेवी जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, इसमें पूछा गया कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के हेडक्वार्टर में कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। जिनेवा में हमें जो है डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर जो देखने को मिलते हैं, आईएलओ के हेडक्वार्टर जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन ये जो रहती है, ये जो एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप रहती है, इसका गोल रहता है इंक्रीजिंग एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन पुअर कंट्रीज, और जेवी जो ब्रिंग्स टुगेदर करती है डेवलपिंग कंट्रीज एंड डोनर गवर्नमेंट्स, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वैक्सीन इंडस्ट्री इन बोथ इंडस्ट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जैसे सिविल सोसाइटीज, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड अदर प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट। जेवी का जो है ऑब्जर्वर स्टेट रहता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, और ये एस्टेब्लिश हुई 2000 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, की पेपर्स में स्टैथ बर्गे वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगे। बर्ले न्यूज में इसलिए थी क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर है, इनको जो है जेवी बोर्ड के जो है मेंबर के रूप में जो है नियुक्ति मिल गई है इनको। देखिए देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन विल स्पैन इंडिया फॉर 2 ईयर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 2022-23, तो इसके ये जो मेंबर जो है चुने गए हैं। यहाँ पर जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, कौन से करेक्ट मैच है, इसमें कंपनी का नाम है, यहाँ पर वैक्सीन है इनकी, तो भारत बायोटेक की रहती है कोवैक्सीन, बिल्कुल सही बात है, और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका रहती है कोविशील्ड, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूके ने अप्रूव कर दिया ऑक्सफर्ड वैक्सीन, इंडियन रेगुलेटरी रिव्यूज एप्लीकेशन बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इमरजेंसी यूज। देखिए तो इसमें आप ध्यान दीजिए, भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन वैक्सीन, और फाइजर की है एमआरएनए वैक्सीन। देखिए दो कीवर्ड्स होते हैं हमारे वैक्सीन से रिलेटेड, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन कोई भी वायरस हो गया, कोई भी केमिकल हो गया, या कोई भी बैक्टीरिया हो गया, या कोई भी पैरासाइट हो गया जो हमारी बॉडी में आके हमें नुकसान करती है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो है एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं ये वाई शेप्ड के होते हैं, और इनके ऊपर जो है इस तरह से एंटीजन जो है इस तरह से जो है चिपक जाते हैं, इस तरह से हमारी बॉडी को जो है बचाते हैं। अब ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन जो है कोई दवाई नहीं होती है, वैक्सीन क्या करेगी कि मान लीजिए कोरोना वायरस की वैक्सीन है तो एक रेप्लिका जो रहेगा कोरोना वायरस का, या बहुत ही ज्यादा वीक कोई स्ट्रेन होगी कोरोना वायरस की, उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी, और हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी को उससे पता लग जाएगा भी किस तरह से जो है उसे जो लड़ना है और किस तरह की एंटीबॉडीज उससे जो है प्रोड्यूस करनी है, यानी कि एक इम्यूनिटी जो है वैक्सीन जो हमारी बॉडी में जो इंट्रोड्यूस करती है। पैरादीप पोर्ट जो है रिसेंटली लोकेटेड न्यूज में था, तो पैरादीप पोर्ट जो हमारे जो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेटेड रहता है। देखिए था हिंदू की न्यूज है कि सीसी ने नोट दे दिया 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और इसमें पैरादीप में जो है इन्होंने जो है नई डॉक स्टेब्लिश करने की बात की, और डॉक का मतलब होता है इस तरह से जो है जहां पर बड़े बड़े हवाई जहाज और डॉक हो सके, इस तरह से जो इनके पास डॉक करने के लिए जो बड़े बड़े जो है सांगल होते हैं, जिससे ये जो है यहीं पर डॉक करके रह जाते हैं, शिप जो है पानी में बहकर नहीं जाती है, तो इस तरह के इनको जो डॉक बोला जाता है, तो इस तरह का नया डॉक जो है पैरादीप पोर्ट में जो अपनाने की बात की जा रही है। आप स्क्रीन सामने इंडिया का मैप देख सकते हैं, इंपोर्टेंट पोर्ट्स आप देख दिए, हल्दिया पोर्ट आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, पैरादीप पोर्ट आपको ओडिशा में मिलेगा, विशाखापट्टनम पोर्ट, काकीनंदा पोर्ट और मछलीपट्टनम पोर्ट आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, इनोर और चेन्नई पोर्ट आपको तमिलनाडु में मिलेगा, नागापट्टनम और टूटिकोन पोर्ट भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, अलापुजू और कोची पोर्ट आपको केरला में मिलेगा, मैंगलोर पोर्ट जो है आपको और मैग्रोवा पोर्ट जो है आपको जो है कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, पणजी पोर्ट गोवा में, रतनगिरी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट आपको जो है मुंबई में देखने को मिलेंगे, फिर सूरत, भारचुक्स, भावनगर, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ये सारे सारे आपको जो है गुजरात में देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आकाश मिसाइल से रिलेटेड जो है पूछी गई है, इसमें बोला गया इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडिया एंड इजराइल, बिल्कुल गलत बात है, इंडिया और इजराइल के द्वारा जो है ब्राक मिसाइल जो है डेवलप की गई है, ध्यान रखना ब्राक जो है इंडिया और इजराइल ने जो साथ में मिलकर जो डेवलप की हुई है, और ये जो है एक सरफेस टू एयर ब्लास्टिंग मिसाइल है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि हमारे कैबिनेट ने जो अप्रूवल दे दिया आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए, ब्राजील, वियतनाम जैसी कंट्रीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है,
और एक ये जो शॉर्ट रेंज जो है मिसाइल ये रहती है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये जो रहती है, और इंडिजियसली ये डेवलप की गई है बाय डीआरडीओ, 25 किलोमीटर या तो 25 to 30 किलोमीटर जो है इसकी जो है रेंज हमें देखने को मिलती है। दिस इज अ कटलेट ऑफ विकिपीडिया, यहाँ पर आप आकाश देखते हैं, रिपब्लिक डे परेड में इसके जो है डिस्प्ले किया गया था इसको। आकाश जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है डेवलप बाय डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा पावर स्टैटिक इंजीनियरिंग डिवीजन एंड लार्सन एंड टर्बो, और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा जो है कतर में जो है फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होगा उसका स्टेडियम जो लार्सन टर्बो के द्वारा बिल्ड किया गया। लार्सन टर्बो जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था, और मिसाइल सिस्टम का जो टारगेट स्थित है 30 किलोमीटर तक। नेक्स्ट वन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें पूछा गया कि न्यू प्रेजिडेंट कौन बने हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, तो डॉक्टर जयलाल जी जो है न्यू प्रेजिडेंट जो आईएमए के बने हैं। ये आप डॉक्टर जयलाल की एक फाइल फोटो देख सकते हैं, और ये द हिंदू की न्यूज है, डॉक्टर जयलाल टेक चार्ज प्रेजिडेंट ऑफ आईएमए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है एक नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, स्वैच्छिक है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स और मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जो कि लुक आफ्टर करते हैं इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज बीइंग द कम्युनिटी एट लार्ज, ईस्ट बाय सुधी 1928 में हेडक्वार्टर्स मिलेंगे न्यू दिल्ली में, और डॉक्टर जे जयलाल जी जो है इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा रहता है, इसमें पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आपसा नेवर बीन इंप्लीमेंटेड, देखिए चंडीगढ़ में सॉरी पंजाब और चंडीगढ़ में दोनों में जो आपसा पहले लगाया जा चुका है, नागालैंड में इनफोर्स है, आसाम में इनफोर्स है, सिक्किम में हमें कभी जो आपसा जो देखने को नहीं मिला है। आपसा का मतलब है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ये जो इंडियन आर्म फोर्सेज को जो है स्पेशल पावर देती है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरियाज, और डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोड एक 1976 वंस जो है कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया हो जाता है तो टू मेंटेन स्टेटस को फॉर मिनिमम 3 मंथ्स यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन करना होता है। तो नागा हिल्स पार्ट ऑफ आसाम यहाँ पर लगाया जाएगा, सेवन सिस्टर्स में जो आपसा जो है आपके जो है लगाया चुका है, आसाम नागालैंड मणिपुर एक्सोडी इंफाल म्युनिसिपल काउंसिल चैंगलोंग लॉन्गिंग तिराप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, और एरिया फॉलिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बॉर्डिंग स्टेट ऑफ आसाम, और इससे पहले पंजाब और चंडीगढ़ में 1983 में आपसा लगाया था, 1997 में ड्रॉ कर दिया गया था, और 1990 में जो है इसको जो जे एंड के में जो इसको जो है लगाया गया था। ये जो हमारे सेवन सिस्टर्स का मैप रहता है, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, नागालैंड की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, और मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, और आसाम की दिसपुर। तो ये जो सेवन स्टेट्स आती है ये जो पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, और यहाँ वेस्ट बंगाल, मेघालय से जो आपसा को जो रिमूव कर दिया गया है 24 अगस्त 2018 की न्यूज है, आपसा मूव फ्रॉम मेघालय। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया कि शानडोंग जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये न्यूज में था, ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, तो शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है हमारे पास चाइना का, न्यूज इसलिए थी क्योंकि चाइना जो बहुत ही जल्दी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2021 में लॉन्च करने वाला है, तो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए शानडोंग रहता है जो कि इन्होंने जो कमीशन कर दिया हुआ है। इससे पहला जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था ये लियाओनिंग जो कि सोवियत एरा क्रूजर जो है ये रहता है शानडोंग, ध्यान रखना सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि हुती रिबेल्स जो है आपको किस कंट्री में देखने को मिलेंगे, तो हुती रिबेल्स हमें जो है यमन में देखने को मिलते हैं, तालिबान टेररिस्ट ग्रुप आपको अफगानिस्तान में, बोको हराम नाइजीरिया में, अलशबाब जो है एक्सट्रीम मिलिटेंट्स ग्रुप रहता है, अलशबाब जो आपको सोमालिया, इथियोपिया, केनिया और उगांडा में देखने को मिलेगा। देखिए ब्लास्ट जो है यमन एयरपोर्ट्स में जो कि एडन एयरपोर्ट्स में जिसमें 26 जो है किल हो गए और 4 जो है घायल हो गए, ये हुती रिबेल्स के द्वारा किया हुआ माना जा रहा है। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया, और यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाए तो यहाँ पर आपको यमन देखने को मिलेगा गुल्फ ऑफ एडन के साथ कैपिटल साना, और यहाँ पर आपको हाउथीज देखने को मिलेंगे बॉर्डर से लेकर सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ, और यहाँ पर मिलेगी आपको स्टेट बल्लम मालदीव डिजिबोटी इरेडिया और यमन के बीच में, और गुल्फ ऑफ एडन और रेड सी को स्टेट बल्लम मालदीव जो कनेक्ट करती है। नेक्स्ट वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो है रीजन और कंट्री पूछे गए थे कि खार्टूम, खार्टूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, करेक्टली मैच है, जुबा इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, करेक्टली मैच है, मोसूल इज द कैपिटल ऑफ मोसूल इज अ प्रोविंस इन इराक, ये भी करेक्टली मैच है। लेकिन जो दारफूर जो एरिया देखने को मिलता है ये सूडान में देखने को मिलता है, ये सीरिया में लोकेटेड नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा 1/3, 4th आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आप सूडान और साउथ सूडान का मैप जो आप देख सकते हैं, सूडान का आपका ध्यान रखना सूडान जो है अरबली का मेंबर है, साउथ सूडान अरबली का मेंबर नहीं है। सूडान की कैपिटल है खार्टूम और साउथ सूडान की कैपिटल है जुबा, दोनों ठीक मैच थे। डारफर जो है वेस्ट सूडान में हमें जो देखने को मिलेगा, इस तरह से आप जो ये इराक का मैप देखते हो, इराक में आपको देखने को मिलेगा मोसूल, इरबिल, इराक में देखने को मिलेगा, इराक बॉर्डर से करेगा सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, ईरान, तो इस तरह से अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज में देखें
ईराक, ईराक की कैपिटल आपको मिलेगी बगदाद, पर्शियन गल्फ में इसकी जो कोस्ट रहेगी, और यहाँ पर मोसुल, यहाँ पर इरबिल, बॉर्डर शेयर करेगा सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में उनको रख सकते हैं। थोपूल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, ये किस स्टेट में जो है खोला जाएगा, ये जो मणिपुर से रिलेटेड जो है न्यूज में है, मणिपुर में जो है थोपूल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है हमारा बनाया जा रहा है। तो आप ये जो है द मिंट की आप न्यूज देखते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे इनॉग्रेटेड साइबर डिवाइन प्रोजेक्ट मणिपुर, इसमें इन्होंने इनॉग्रेट किया ये ऑफिस एंड थोपूल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, थोपूल डैम मल्टीपर्पज, मतलब इसका यूज इरिगेशन के लिए किया जाएगा, इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, बहुत सारे पर्पज के लिए इसका जो है यूज किया जाएगा। तो थोबुल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया गया था बाली प्लानिंग कमीशन 1980 और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया इसमें 1989 में, 35,104 हेक्टेयर के ऊपर जो है इसको जो है बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं लीफ नोज बैट के बारे में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसमें बोला गया दिस स्पीसीज एंडेमिक टू कर्नाटका, दिस इज वेरी नाइस स्टेटमेंट, कोलार केव्स वगैरह में ये हमें देखने को मिलता है और ये जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में जो है रहता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज रहती है कंजर्वेशन प्लान ऑन टेबल टू सेव बैट स्पीसीज इन कोलार केव्स, और ये आप देख सकते हैं लीफ नोज्ड कोलार लीफ नोज्ड जो बैट जो रहता है ये जो है एक्सक्लूसिव रहता है कर्नाटका में, और ये इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जो है अभी तक कोई भी लीगल प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है मैच करने के लिए पूछा गया है, फर्स्ट है शियानवोकिले पोर्ट कंबोडिया, बिल्कुल सही बात है, ये जो शियानवोकिले पोर्ट जो है आपको कंबोडिया में देखने को मिलेगा, नारोम पोर्ट हम बहुत बार देख चुके हैं हमें वियतनाम में देखने को मिलता है, और क्वांटन पोर्ट जो है मलेशिया में देखने को मिलता है, ऑल दी थ्री स्टेट में न्यूज में इसलिए क्योंकि रिसेंटली हमारी इंडियन नेवल शिप INS किल्टन जो है जिसने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो ली हुई थी मिशन सागर थर्ड के तहत, ये जो है रीच की थी इसने शियानवोकिले पोर्ट कंबोडिया, उसके बाद फ्लडेड अफेक्टेड पीपल एट वियतनाम नंगो रोंग पोर्ट और हो ची मिन सिटी क्वांटन पोर्ट इन पेनिनसुलर मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है देखिए डार्ट आइरियंस को आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल ट्राइबल पीपल्स ये रहते हैं, तो डार्ट आइरियंस के बारे में पूछा गया कि ये ट्राइबल पीपल किस यूटी में देखने को मिलेंगे, तो लद्दाख के जो ये यूटी में हमें ट्राइबल पीपल्स देखने को मिलेंगे, इनको जो अभी तक ST का स्टेटस प्राप्त नहीं है। तो देखिए डार्ट आइरियंस से रिलेटेड जो है इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज कवर कर चुकी है, लद्दाख में हमें देखने को मिलेंगे, और न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है लेह लद्दाख में जो खोला जाएगा, लद्दाख की देखिए दो ही हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं लेह एंड कारगिल, और ये जो है 9 अगस्त 2019 को इसको जो बनाया गया था बाय द रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर, और इन प्रेजेंट राधा कृष्णन माथुर जी जो है इसके जो LG जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सेंट्रलीज जो ट्राइबल पीपल आपको किस यूटी में देखने को मिलेगी, तो सेंट्रलीज देखिए नॉर्थ सेंट्रलीज आइलैंड आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगी आपको सेंट्रलीज ट्राइब। अगर आप TNN की न्यूज देखें तो देखिए रिसेंटली ये न्यूज में थे नॉर्थ सेंट्रलीज आइलैंड के जो सेंट्रलीज ट्राइब है यहाँ पर जो है जॉन एलन चाउ जो कि US नेशनलिस्ट थे इनको जो है इस ट्राइब के द्वारा जो है किल कर दिया गया था, और ये जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में ये आते हैं, और देखिए नेशनल कमीशन ऑफ टू ट्राइब्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये जो आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आते हैं, और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 में हुआ था जिसके द्वारा जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है अलग अलग बॉडीज बना दी गई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है रिगार्डिंग द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, तो देखिए ध्यान रखना NIC के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है बाइनल डिजिटल इंडिया अवार्ड दिए जाते हैं, दो साल में एक बार दिए जाते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है विल ऑल्सो फैसिलिटेट करेंगे गवर्नमेंट एंटिटीज दैट हैव डेवलप्ड इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट सिटीजंस ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो सबरीमाला टेंपल से रिलेटेड आया गया, इसमें बोला गया कि ये जो स्टूडेंट इन साइड द पेरियार टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है पेरियार टाइगर रिजर्व स्टूडेंट है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं, ये जो है केरला में हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसको से रिलेटेड क्वेश्चन गलत मत कर देना, और ये लेकर रहता है ओनली बैंक्स ऑफ पांबा, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू द मैं भी डिजिटल ड्राइव, तो देखिए मैं भी डिजिटल ड्राइव जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के द्वारा जो लॉन्च की गई है, देखिए जनरली क्या होता है जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो सब्जी वगैरह बेचने वाले होते हैं उनके पास जो है डिजिटल कोई भी सुविधा नहीं होती है पेमेंट के लिए, तो मैं भी डिजिटल इसमें इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि इनको जो इंपावर किया जा सके स्ट्रीट वेंडर्स टू एक्सेप्ट एंड मेक पेमेंट्स डिजिटली, तो इसलिए ये मैं भी डिजिटल ये ड्राइव जो लॉन्च किए गए, तो दोनों दोनों स्टेटमेंट्स में जो है ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है मैं भी डिजिटल मी टू डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर्स टू इनेबल देम टू एक्सेप्ट मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स, और एज अ पार्ट ऑफ न्यू ड्राइव टू है 4 जनवरी टू 22 जनवरी 2020 ओवर 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द कंट्री हुआ अपग्रेड रुपीज 10,000 लोन अंडर दी PM स्वामिनिधि योजना जो कि इनके लिए चलाई गई थी, वेंडर्स विल बी एबल टू नॉट जस्ट रिसीव पेमेंट डिजिटली बट ऑल्सो पे फॉर मटीरियल दे प्रोक्योर फ्रॉम सेलर यूजिंग यूनिक QR कोड्स जो इनको जो दिए जाएंगे, मोबाइल फोन ऑफ द वेंडर्स विल बी इक्विप्ड विद द सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर द ट्रांजैक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू देम ऑन द सेफ एंड सिक्योर पेमेंट्स।
और क्यूआर कोड का ध्यान रखना, ये क्विक रिस्पॉन्स इसको जो है बोला जाता है, इसकी फुल होने थी क्विक रिस्पॉन्स। मोनपा पेपर जो रिसेंटली न्यूज में थे, ये मोनपा ट्राइब्स के द्वारा जो बनाए जाते हैं, इनको जो रिवाइव करने की बात की जा रही है, और ये ट्राइब आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो मोनपा पेपर जो रिलेटेड रहते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो ये आप इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज जो है देख सकते हैं। इसमें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जो है मोनपा पेपर को रिवाइव करने की बात की जा रही है, जो कि मोनपा पेपर के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, और ये जो है शेगु शेंग ट्री के बार्क से जो है इनको जो है ये बनाते हैं। और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जो है मोनपा पेपर मेकिंग यूनिट जो है तवांग अरुणाचल प्रदेश में जो है खोली जाएगी। केवीआईसी के बारे में जो है एक बार देख लीजिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है एक स्टैचुरी बॉडी रहती है, जो कि अप्रैल 1957 के में जो फॉर्म हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर जो वर्क करती है, विराधु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज विद इंडिया, और ये प्लान प्रमोट ऑफ फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मुंबई इंडिया में, और विनोद कुमार सक्सेना प्रेजेंट जो इसके जो है चेयरमैन रहते हैं। ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ये जो वर्क करेगी। दैट्स द एंड ऑफ वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये जो है वीकली करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहेगी, ताकि जो है एग्जामिनेशन में आपको जो है करंट अफेयर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग, दूसरों याद भी करते रहिए, ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज इज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।